पेज पे आप जाके देख सकते हैं। तो अब ओजस लाइफ ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये सारे हमारे जो सेमिनार होते हैं पूरे भारतवर्ष में, ये सारे के सारे निशुल्क होते हैं। इसी के साथ साथ आज हम स्वास्थ्य के विषय पर बात कर रहे हैं, तो एक डिस्क्लेमर, एक चेतावनी के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी अगर हो तो उसमें इस संसार में एक ही भगवान का स्वरूप होता है इंसानों के लिए, और वो है हमारे बीच जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वही हमारे लिए भगवान का स्वरूप लेते हैं जब इमरजेंसी होती है। यानी किसी भी प्रकार का हार्ट अटैक आ जाए या फिर कोई चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो इन सारे केसेस में हमें डॉक्टर्स की ही मदद लेनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की अगर आपकी दवाइयां अगर आप ले रहे हो तो मेरा सेमिनार सुनने के बाद आप उन दवाइयों को बंद नहीं कर सकते। अपनी दवाइयों को बंद करने से पहले या अपनी मर्जी से आप दवाइयां नहीं खा सकते, तो बंद करने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर को संपर्क करना होगा। खास तौर पे उन दो लोगों को मैं चेतावनी देना चाहूंगा जिनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या है। जिनको भी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या हो, वो आज का सेमिनार सुनने के बाद यदि वो अपने भोजन में कोई भी बदलाव करते हैं तो उनको नियमित रूप से अपने डॉक्टर के पास जो है विजिट करते रहना चाहिए या फिर अपने रिपोर्ट्स रेगुलर चेक करने चाहिए, बीपी के लेवल्स और शुगर के लेवल। क्योंकि हो सकता है कि आप डाइट चेंज करें और मात्र दो चार दिनों में या हफ्ते भर में आपको अपनी दवाइयों के डोज कम करने पड़ जाए और कुछ ही महीनों में आपको अपनी दवाइयां पूरी तरह से बंद करनी पड़ जाए क्योंकि आपका शुगर अपने आप नेचुरली नॉर्मल हो जाएगा, तो उसके बाद आपको उन दवाइयों की जरूरत नहीं रहेगी, राइट? आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल डिजीजेस। इस संसार में जितनी भी आबादी है उनमें से 75% लोग इस संसार में किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अगर कोई बीमार हो, सबसे ज्यादा यदि कोई रोगी हो तो वो इंसान है। अन्य किसी भी पशु प्राणियों को ना कभी डायबिटीज हो रहा है, ना किसी को लीवर प्रॉब्लम हो रही है, ना किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों ने कभी भी किसी पशु प्राणी को इस प्रकार से बीमार होते हुए नहीं देखा होगा, और यदि आपने कभी बीमार होते हुए देखा भी हो किसी पशु प्राणी को तो वो जरूर इंसानों के बीच रहता होगा और इंसान का फेंका हुआ भोजन लेता होगा। वरना प्रकृति में रहने वाले कोई भी पशु प्राणियों को ना कभी दवाइयों की जरूरत पड़ती है और ना ही कभी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, राइट? और इंसानों के बीमारियों के पीछे सबसे बड़ा अगर कोई मूल कारण हो तो वो है उसका गलत खान पान। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि हमारी जीवन शैली में, हमारे खान पान में क्या क्या मिस्टेक हो रही है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। सिर्फ भारत के अगर कुछ आंकड़ों की मैं बात करूं तो भारत में आज लगभग 40% लोग जो है एक उम्र के बाद डायबिटिक हो चुके हैं। भारत पूरे विश्व में डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है और आने वाले भविष्य में हम कैंसर का कैपिटल बनने वाले हैं। आज की तारीख में ही 38% लोग भारत में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और 38% लोगों का मतलब है कि 10 शादियां जब भारत में होती है तो 10 में से 4 लोगों को जो है संतान प्राप्ति नहीं हो रही है और इसके लिए उनको डॉक्टर्स की मदद लेनी पड़ रही है, राइट? तो आज हमारे भारत का स्वास्थ्य किस दिशा में जा रहा है वो हम सभी लोग जानते हैं और देख रहे हैं। डिजीजेस आर इंडिकेटर्स, रोग एक संकेत है गलत जीवन शैली का। तो आइए हम देखते हैं आज कि हमारा शरीर किसी भी बड़ी बीमारी से प्रभावित होने से पहले हमें कुछ छोटे छोटे संकेत देता है और वो संकेतों के जरिए हमें बताने की कोशिश करता है
कि हमारी जीवन शैली गलत है। और अगर हम इन छोटे संकेतों को जान ले, समझ ले और तुरंत इस पे कार्य करें, तो हम किसी भी बड़ी बीमारी तक पहुंच नहीं सकेंगे या नहीं पहुंचेंगे, राइट। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे गलत जीवन शैली के छोटे छोटे संकेतों पर। कमजोरी महसूस होना, बैड स्किन, बैड नेल्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस बनना। देखिए, घर के अंदर अगर कूड़ादान जो होता है, डस्टबिन जो होता है, उसमें से डस्टबिन में से कूड़ा रोज का रोज बाहर ना फेंका जाए और उस कूड़ेदान को दो चार दिन के लिए घर में ही रख लिया जाए, तो उसमें भी गैस बनेगी और उस गैस की दुर्गंध पूरे घर में फैलेगी। ठीक उसी तरीके से इंसान जो भी भोजन खाता है, अगर वो रोज का रोज बाहर नहीं फेंका जाता शरीर के, तो वो पेट में पड़े पड़े सड़ता है और उसमें भी गैस निर्माण होती है और दुर्गंध निर्माण होती है। तो वरना ऊपर वाले ने इंसान के शरीर में कोई भी गैस बनाने का यंत्र नहीं लगाया है, और गैस बनेगी तो सरदर्द होगा या फिर शरीर का कोई और हिस्सा जो कमजोर होगा उस हिस्से में आपको दर्द होगा। बिना गैस के दर्द नहीं हो सकता। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। अगर आपको फ्रेश होने में एक मिनट से ज्यादा समय, मैक्सिमम अगर हम बात करें कि हमारा भारतीय खाना जिस प्रकार से है, तो अगर वॉशरूम में फ्रेश होने में आपको 3 मिनट से ज्यादा समय लगता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यानी कब्ज की प्रॉब्लम है। पेट साफ होने में सामान्य तौर पे 1 मिनट से कम समय लगना चाहिए, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ज्यादा समय अगर टॉयलेट में बिताएंगे, वॉशरूम में बिताएंगे, तो आपको पाइल्स और फिशर्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, किडनी स्टोन्स। अगर बिना पत्थर खाए आपके शरीर में पत्थर निर्माण होते हैं, तो ये भी एक गलत जीवन शैली का संकेत है। किसी भी प्रकार की अगर आपको एलर्जी हो, तो ये भी एक गलत जीवन शैली का संकेत है। स्लीप इश्यूज, ज्यादा नींद आना या फिर नींद नहीं आना, यानी इंसोमिया। स्नोरिंग, अगर आप खर्राटे लेते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपके खर्राटे जो है वो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम के साथ कनेक्टेड है। आने वाले भविष्य में आपको हार्ट से संबंधित बीमारी होने की पूरी संभावना है, तो खर्राटे लेना ये सामान्य बात नहीं है। ओबेसिटी, अगर आप अपने सामान्य वजन से 20 किलो या 40 किलो आपका वजन ज्यादा है, तो ये भी एक गलत जीवन शैली का ही संकेत है। इचिंग इन्फेक्शन, साल के 12 ही महीने अगर आपको खाज, खुजली या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, तो ये भी एक गलत जीवन शैली का संकेत है। इसे बाहर से कितने भी, चाहे लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के आप क्रीम मलम लाके लगाइए, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये अंदरूनी गंदगी है जो बाहर खाज, खुजली के रूप में निकल कर उभर रही है। बॉडी स्वेलिंग, बिना चोट के अगर आपको शरीर में सूजन आती है, तो ये भी एक खतरे का संकेत हो सकता है। फ्लेम, म्यूकस, यानी आपको साल के 12 महीने अगर कफ, बलगम बनता है गले में और दिन भर आपके गले से बलगम निकलती है, तो ये भी गलत जीवन शैली का संकेत है। और हर 2-3 महीने में आपको जुकाम अगर हो रहा है और बहुत बलगम निकल रहा है, तो ये भी एक गलत जीवन शैली का ही संकेत है। म्यूकस इन आईज, सुबह उठने पर आपकी आंखों में अगर चिपचिपा पदार्थ आता है, तो ये भी एक गलत जीवन शैली का ही संकेत है। ईएनटी प्रॉब्लम्स, बार बार कान और थ्रोट या फिर नाक की प्रॉब्लम होना, ये भी एक गलत जीवन शैली का ही संकेत है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और डार्क सर्कल्स, यानी आंखों के नीचे काले गड्ढे बनना, ये भी आने वाले भविष्य में एक बड़ी खतरे की घंटी है। अगर इन सारे संकेतों को अगर आप नजरअंदाज करेंगे 10-15 साल तक, तो आप मान लीजिए कि आगे स्क्रीन पे दिखाई हुई बीमारियों की लिस्ट में से कोई भी बीमारी आपके जीवन का मेहमान बन सकती है। मैंने तो कुछ ही बीमारी को नाम लिए हैं स्क्रीन पर, लेकिन इंसान के जीवन में अब तक 13,000 बीमारियां आ चुकी है, और 13,000 बीमारियों के नाम स्क्रीन पर रखना ये संभव नहीं था, इसलिए उनमें से कुछ मुख्य बीमारियों के नाम आपके सामने पेश किए गए हैं, राइट।
आप समझ लीजिए कि हमें किसी भी बड़ी बीमारी के मुख में पहुंचने से पहले ही इस पे कार्य करना होगा। तो न सिर्फ आप अपने शरीर के संकेतों का आज इस सेमिनार के जरिए विशेषण करें, बल्कि आपके परिवार में जितने भी लोग हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनसे आप बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं, उन सभी लोगों को आप देखिए कि उनके जीवन शैली में क्या क्या संकेत आ रहे हैं, ताकि किसी भी बड़ी बीमारी के मुख में पहुंचने से पहले ही उनकी मदद की जा सके। अब आते हैं स्वास्थ्य के विषय पर। हमारा इस संसार में जितने भी जीव है, इन सभी जीवों को जन्म देने वाली एक ही माँ है, और वो है माँ प्रकृति। सारे संसार में जितने भी जीव है, उन सभी को बनाने वाली या जन्म देने वाली ये पांच तत्व है, और इस पांच तत्वों को ही प्रकृति कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर में भी ये पांच तत्व होते हैं, और इसी का सही संतुलन रखना, इसी को स्वास्थ्य कहते हैं, और इसी के संतुलन को, इसी संतुलन को बिगड़ जाने को बीमारियां कहते हैं, रोग कहते हैं, राइट। तो आज हम जानेंगे कि ये पांच तत्व हमारे शरीर में किस तरीके से समाये हुए हैं और इन पांच तत्वों का महत्व क्या है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आप जो एलिमेंट देख रहे हैं वो है फायर एलिमेंट, यानी अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जो है वो सूर्य को अग्नि कहा गया था उस युग में। अग्नि तत्व यानी सूर्य, सूर्य देव यानी सनलाइट के जरिए, धूप के जरिए हमारी स्किन पे जब पड़ती है तो हमारी बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है, और विटामिन डी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर भी आज हम थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। सेकेंड एलिमेंट जिस पे हम ज्यादा बातें आज नहीं करेंगे, और वो है एयर एलिमेंट, वायु तत्व, यानी हम जो सांसें लेते हैं वो। तो उसके बारे में मुझे किसी को ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और साथ ही साथ तीसरा एलिमेंट जो है वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी यानी पृथ्वी तत्व, पृथ्वी के जरिए जो भी चीजें आती है, यानी कि हमारा भोजन, ये सारे तत्वों को पृथ्वी तत्व कहा गया है। चौथा एलिमेंट जिसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, वो है जल। जल जो है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आप सभी लोग जानते हैं, और पानी ही जीवन है ऐसा भी कहा जाता है। और पांचवा एलिमेंट जो है आकाश तत्व, यानी स्काई। और आकाश तत्व मिलता है उपवास करने से, और दैनिक जीवन में हम उपवास को कैसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं, आज इस विषय पर भी हम बात करेंगे, और उसका महत्व क्या है ये भी आज हम जानेंगे। संसार के सारे पशु प्राणी स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं, जैसे हमने पहले ही बात की, और उसके पीछे कारण है कि वो प्रकृति के सारे नियमों का पालन करते हैं, और इसीलिए वो स्वस्थ रहते हैं। संसार में जिसे भी जिंदा रहना हो, उसे किसी न किसी के प्राण छीनने पड़ेंगे या किसी न किसी से प्राण लेने पड़ेंगे। जिस तरीके से हम पेड़ पौधों से जीवन लेते हैं, फल फ्रूट खाते हैं और उसके जरिए हमें जीवन मिलता है, ठीक उसी तरीके से। तो ये सारे पशु प्राणी प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, इसीलिए स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। तो सबसे पहला नियम आज कुदरत का कानून हम जो जानेंगे, और वो ये है कि इंसान के जीवन में दो प्रकार के भोजन होते हैं। हमारे जीवन में दो प्रकार के भोजन है, एक भोजन है लिविंग फूड और दूसरा है डेड फूड। लिविंग यानी जिस भोजन में जीवन है, और दूसरा भोजन जो मृत है, जिसमें जीवन नहीं है और वो मर चुका है। संसार में जो भी कीड़े मकोड़े हैं, या पक्षी है, या मछली है, या जो भी जीव है, या पेड़ पौधे जिसमें जीव है, आप किसी भी वस्तु को आग पे चढ़ाएंगे, अग्नि पे चढ़ाएंगे, आग पे चढ़ाएंगे और पकाएंगे, तो उसकी मृत्यु निश्चिंत है। आप अपना हाथ भी केवल अगर आग पे रख देंगे तो आपके हाथ की चमड़ी भी जो है वो मर जाएगी। तो आग पे आप किसी भी चीज को चढ़ाएंगे जिसमें जीवन है तो वो मर जाएगा। ये बहुत ही सामान्य बात है, नॉर्मल बात है। तो खाना भी हमारा पकने के बाद मर जाता है और मृत भोजन बन जाता है। और मरने के बाद जो खुद मर चुका है, वो मरने के बाद
किसी और को जीवन नहीं दे सकता। और इसीलिए पिछली स्लाइड में एक स्लोगन था ऊपर, इसे कहते हैं जीवो जीवस्य जीवनम, यानी संसार में जिसे भी जिंदा रहना है उसे किसी न किसी से जीवन लेना पड़ेगा। और इसी तरीके से ये साइकिल चलती है, सब एक दूसरे को जीवन देते हैं। आज ये पेड़ पौधे हमें जीवन दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमारी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद हम भी जमीन में जाने वाले हैं और हम उस पेड़ पौधों के लिए न्यूट्रिशन बन जाएंगे, यानी उनके लिए फर्टिलाइजर का काम करेंगे। तो यही साइकिल है जीवन की, और एक दूसरे को जीवन देना, और यही संसार के नियम है, राइट। तो आपके स्क्रीन पर आपके सामने है, एक तरफ आपको स्वास्थ्य देने वाला भोजन और दूसरी तरफ आपको रोग देने वाला यानी बीमारियां देने वाला भोजन। मरा हुआ भोजन केवल बीमारियां दे सकता है, स्वास्थ्य नहीं दे सकता। और जो लिविंग फूड है, जो प्राणिक भोजन है जिसमें जीवन है, वो आपको केवल स्वास्थ्य देगा, वो कभी भी आपको बीमारियां नहीं दे सकता, राइट। तो आपके जीवन में आज से दो प्रकार के भोजन होंगे, एक स्वास्थ्य देने वाला भोजन और एक बीमारियां देने वाला भोजन। और आपकी जीवन शैली और आपका भोजन और आपका दिनचर्या कैसा होगा, इसमें भी इस विषय पर भी हम अंत में बात करेंगे, राइट। ऑलवेज फोकस ऑन रीजनल एंड सीजनल फूड्स, हमेशा ऋतु के अनुसार जो भी फल और सब्जियां आपके वहां पे मिलती है उसी को खाए, और वही हमें ज्यादा लाभ देती है, फायदा करती है। बाकी बहुत महंगे फल और सब्जियां खरीद कर ना लाए तो बेहतर है, क्योंकि उसमें आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो भी सस्ते से सस्ते फ्रूट्स और सब्जियां आपको मिलती है वही आप लेके आए और उसी को ज्यादा मात्रा में सेवन करें, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक रहेगा। एक और विषय है महत्वपूर्ण, और ये भी एक कुदरत का कानून है। पहला हमने बात किया, इससे पहले जो कुदरत का कानून हमने जो बात की है वो है इंसान की सबसे बड़ी भूल कि उसने अपने जीवन में पका हुआ भोजन जोड़ा। ये इंसान के सबसे बड़ी भूल है। और इसी के साथ एक दूसरी इंसान की भूल पे आज हम बात करेंगे, और वो है इंसान के जीवन में अन्य पशु प्राणियों के दूध का सेवन करना। इस संसार में कोई भी पशु प्राणी किसी भी अन्य जीव का दूध नहीं पीता, केवल अपनी ही माँ का दूध पीता है, और वो भी केवल बाल अवस्था में, यानी बाल्य अवस्था में, यानी जब वो छोटा होता है, बच्चा होता है तब। बड़े होने के बाद कोई भी संसार का पशु प्राणी दोबारा अपनी माँ के पास दूध पीने नहीं जाता। केवल मनुष्य एक ऐसा जीव है, वो संसार के अलग अलग पशु प्राणियों को जो उनके आस पास में रहते हैं और जो बहुत शरीफ होते हैं उन जानवरों को पकड़ लेता है और उनका दूध निकाल कर पीना शुरू कर देता है। और ये इंसान की सबसे बड़ी एक और भूल है, और इसीलिए हमारे जीवन में इतनी सारी बीमारियां जो है जुड़ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका स्वास्थ्य से क्या कनेक्शन है ये भी बताना चाहूंगा। इस संसार में सबसे ज्यादा म्यूकस यानी सबसे ज्यादा बलगम बनाने वाला अगर कोई यदि भोजन हो तो वो है दूध और दूध के बने हुए उत्पादन। दूध और दूध के बने हुए उत्पादन यदि आप सेवन करेंगे तो आपको बलगम की प्रॉब्लम होगी, और दूध के बने हुए इंसान अगर दूध के बने हुए भोजन का त्याग कर दे तो उसको जीवन में कभी भी ना जुकाम होगा ना कभी कफ की प्रॉब्लम होगी। और अगर आप कफ की प्रॉब्लम को यानी जुकाम की प्रॉब्लम को नजरअंदाज करेंगे, कफ को बलगम को अगर आप नजरअंदाज करेंगे, तो आने वाले 15-20 साल बाद आपको भविष्य में बलगम से संबंधित बीमारियों को भोगना पड़ेगा। और बलगम से संबंधित बीमारियों की लिस्ट बहुत बड़ी है, उनमें से कुछ मुख्य बीमारियां मैं आपको गिनवा देता हूं, जिसमें सबसे पहले है डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज टाइप 2 और टाइप 1 ये बलगम से संबंधित, कफ से और दूध से संबंधित ही एक बीमारी है, उससे ऊपर आगे आते हैं तो फैटी लिवर जो है वो उसमें नाम में ही लिखा है फैट, और फैट्स जो है वो सबसे ज्यादा दूध और दूध के बने हुए उत्पादन में होते हैं, और ये बीमारी भी दूध से संबंधित एक रोग है। उससे ऊपर आगे बढ़ते हैं
तो आपके फेफड़े यानी आपके लंग्स से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो सारी इसी डेयरी प्रोडक्ट की देन है, यानी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग डिजीज, फाइब्रोसिस, ये सारी बीमारियां जो है दूध से संबंधित है। और आजकल आप सभी लोग ये जानते होंगे कि कोरोना जो है, कोविड-19 जो है, ये हमारे ब्रीदिंग सिस्टम पे अटैक करता है, हमारे फेफड़ों पे अटैक करता है, और इसीलिए फेफड़ों को स्वस्थ रखना और मजबूत रखना ये हमारी फिलहाल बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। तो इसीलिए दूध और दूध के बने हुए उत्पादन से जितना बचे, जितना दूर रहे, उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, राइट। तो दूध जो है वो हर बच्चा जब जन्म लेता है, मनुष्य का जब बच्चा जन्म लेता है तो हर बच्चे की माँ को दूध प्रदान किया जाता है प्रकृति द्वारा। प्रकृति को ये बात पता है कि इस बच्चे ने अब जन्म लिया है तो उसके उसे दूध की जरूरत है, और इसीलिए उसकी माँ को दूध प्रदान किया जाता है। और 2-3 साल बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो जब दूध की जरूरत नहीं रह जाती तो प्रकृति माँ को दूध कुदरती रूप से बंद कर देती है, और इसका साफ मतलब ये है कि अब उस बच्चे को दूध की आवश्यकता नहीं है, राइट। और हमारा कैल्शियम, ये सबसे बड़ा भ्रम है कि कैल्शियम हमें कहाँ से मिलेगा। ये दूध बेचने वाली जो इंडस्ट्री है, इन्होंने ये भ्रम पैदा किया है लोगों के मन में कि अगर हम दूध नहीं पिएंगे तो हमें कैल्शियम नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि संसार के हर भोजन में कैल्शियम की मात्रा होती है, किसी में कम या किसी में ज्यादा। चाहे आप टमाटर खा रहे हैं या संतरा पी रहे हैं या नारियल पी रहे हैं या केला खा रहे हैं या कोई भी अन्य सब्जी खा रहे हैं तो उसमें हर फल और सब्जी में कैल्शियम दिया गया है और उसकी कोई भी कमी नहीं है, राइट। हमें केवल अपना विटामिन डी सही रखना है और अपना कैल्शियम अपने आप बराबर हो जाएगा, उसकी कोई कमी नहीं रह जाएगी। मेरे घर पे पिछले 7 साल से दूध और दूध के बने हुए उत्पादन का इस्तेमाल और प्रयोग हम बंद कर चुके हैं, फिर भी हमें कभी भी दूध की कमी महसूस नहीं होती, कारण कि हमने बहुत सारे उसके विकल्प खोज लिए हैं और उन विकल्प के जरिए हमारे घर में दूध के उत्पादन की कमी कभी भी महसूस नहीं होती। हमारे घर में छाछ बनती है तो वो नारियल के दूध से बनती है, बच्चों के लिए पीने का दूध बनता है तो वो बादाम से बनता है, कढ़ी बनती है तो वो भी नारियल के दूध से कढ़ी बनती है, और अगर हमें बटर बनाना होता है तो हम वो पीनट से बनाते हैं, यानी मूंगफली के भुने हुए दानों से। बहुत ही आसानी से 2 मिनट में हमारे घर में जो है बटर बन जाता है, और उसी बटर का यानी जो जैसे हम इस्तेमाल करते हैं सारी चीजों के लिए, राइट। तो हमारे घर पे दूध के उत्पादनों की कोई कमी हमें महसूस नहीं होती, और आप भी अगर इनकी रेसिपीज जानना चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं या यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, वीगन रेसिपीज अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत सारी रेसिपीज मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे देश में बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जागरूक है, वो सभी लोग वीगन बन चुके हैं, जैसे कि मलाइका अरोड़ा खान, अक्षय कुमार, और हमारे भारत के क्रिकेट के कैप्टन विराट कोहली, ये भी एक प्रकार से वीगन बन चुके हैं, राइट। तो ऐसे कई ऐसे लोग हैं भारत में और जो ऑलरेडी वीगन बन चुके हैं। वीगन बनने का मतलब है दूध और दूध के बने हुए सारे उत्पादनों का त्याग करना। अब आते हैं मुख्य बात पे कि आपके डेली जीवन में, दैनिक जीवन में ओजस लाइफ का डेली डोज क्या होगा, आपको किन चीजों को अपनी दैनिक जीवन में जोड़ना है, उसकी एक सूची है आपके सामने स्क्रीन पर। और इसमें सबसे पहले है धूप को आपको अपने दैनिक जीवन में जोड़ना है, यानी सनलाइट। जैसे इस संसार में आप किसी भी जीव को अगर देखें तो वो कोई भी इस संसार में जन्म लेता है तो अपने शरीर पे कपड़े लेकर नहीं आता, सिर्फ इंसान है जिसने अपने शरीर पे वस्त्र का कवच लगाया है। और इसीलिए हम भारत की अगर बात करें तो भारत में रहने वाले लोगों में 90% लोगों में विटामिन D3 की कमी पाई गई है, और विटामिन डी को बढ़ाने के लिए हमें धूप में
रोज कुछ समय के लिए बैठना चाहिए और यही कुदरती तरीका है अपने शरीर में विटामिन डी बढ़ाने का। और एक हफ्ते में 60 मिनट के लिए चार्ज करना है अपने शरीर को आपको धूप से, जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं रोज 1 घंटे के लिए कम से कम, तब वो दिन भर आपका साथ देता है। ठीक वैसे ही आपके शरीर को भी चार्जिंग की जरूरत होती है, वो भी धूप से चार्ज करना है और वो भी 1 हफ्ते में 1 घंटे के लिए केवल। यानी अगर आप रोज चार्जिंग करेंगे तो 10 मिनट के लिए आप चार्ज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और अगर हफ्ते में 3 दिन अगर करेंगे धूप लेंगे तो 20 मिनट के लिए आपको धूप लेनी पड़ेगी, और हफ्ते में 2 दफा अगर आप धूप लेंगे तो आपको आधे आधे घंटे के लिए धूप लेनी पड़ेगी, और हफ्ते में अगर एक ही बार अगर आप धूप ले सकते हैं तो 1 घंटे के लिए आपको चार्जिंग करना पड़ेगा, राइट। और शरीर का जितना भाग आप खुला रख सके उतना खोलिए, क्योंकि जब धूप आपकी चमड़ी पे पहुंचती है तभी शरीर में विटामिन डी बनता है। विटामिन डी की अगर कमी होगी तो आप कौन सी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं उसे भी एक बार आइए जान लेते हैं। आपको विटामिन डी की कमी होगी तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हड्डियों से संबंधित बीमारियां हो सकती है। उसके अलावा अगर विटामिन डी की कमी होगी तो शरीर में बार बार इन्फेक्शन होना ये भी एक संकेत हो सकता है। विटामिन डी की कमी होगी तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की आपको एलर्जीज हो जाएगी, ये भी एक संकेत है विटामिन डी की कमी का। इंसोमिया, नींद नहीं आना, ये भी एक संकेत है विटामिन डी की कमी का ही। इसके अलावा कैंसर तक के रोग भी जो होते हैं इसके पीछे भी मुख्य कारण है तो विटामिन डी की कमी। भारत में अगर मैं बात करूं तो आज हमारे देश में सिगरेट पीने वाले लोगों से ज्यादा, तंबाकू खाने वाले लोगों से भी ज्यादा अगर कैंसर हो रहा है तो वो महिलाओं को कैंसर हो रहा है, और 10 गुना ज्यादा कैंसर हो रहा है महिलाओं को। और इसके पीछे अगर कोई मुख्य कारण है तो वो है विटामिन डी की कमी। पुरुष के मुकाबले महिलाओं के अंदर विटामिन डी की कमी ज्यादा पाई गई है, और यही कैंसर का मुख्य कारण भी बनता है, राइट। तो धूप का सेवन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर में रखे हुए किसी भी अनाज में अगर कीड़े पड़ जाए तो आप उसे धूप में रख दीजिए और वो ठीक हो जाते हैं, और अगर आप किसी भी फल और सब्जी को भी अगर धूप में रख देंगे तो वो कभी भी गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, सूख जाएगा लेकिन कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो सनलाइट जो है, धूप जो है, वो इस संसार का सबसे पावरफुल वैक्सीनेशन है, इस संसार का सबसे पावरफुल इम्यूनाइजेशन है, इस संसार का सबसे पावरफुल रेडिएशन, केमो, आप जो कहे, ये कुदरती तौर पे है। अगर आप धूप लेंगे तो आपको भविष्य में रेडिएशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि कैंसर होने की संभावना नहीं रहेगी, राइट। धूप आप किसी भी समय अगर भारत में रहते हैं तो ले सकते हैं। गर्मी के दिनों में जल्दी ले, सुबह जितना जल्दी हो सके 10 बजे से पहले, और बाकी के मौसम में आप अगर ठंड के मौसम की बात करें या बारिश के मौसम की बात करें तो आप दिन में कभी भी धूप ले सकते हैं यदि आप भारत में रहते हैं तो। दूसरा, सेकेंड जो डेली डोज इम्पॉर्टेंट है वो है प्राणायाम। अगर प्राणायाम और योग को आप अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो ये और बेहतर होगा। हरे पत्ते वाली सब्जियां, फ्रूट्स, सैलड, स्प्राउट सीड्स और नट्स को भी अगर आप अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद का होना बहुत जरूरी है। अब ये बात हो गई किन चीजों को हमें अपने दैनिक जीवन में जोड़ना है, अब बात करते हैं किन चीजों को अपने जीवन से हमें कम करना है, और वो सबसे पहले है गेहूं। गेहूं, जी हाँ, गेहूं यानी वीट, यानी गेहूं जो होता है उसमें ग्लूटेन होता है, और ग्लूटेन का मतलब है, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि गेहूं के कुछ दाने मुंह में रख के कुछ देर के लिए चबाए जाए तो उससे च्युइंगम बनता है, च्युइंगम का निर्माण होता है, और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कोई भी इंसान च्युइंगम को चबाने के बाद निगलना पसंद नहीं करेगा,
लेकिन गेहूं की रोटियों के जरिए, गेहूं की रोटी के जरिए आप बहुत सारा ग्लूटेन यानी च्युइंगम अपने शरीर में ले लेते हैं और वही बीमारी का कारण बनता है। तो गेहूं को जितना कम इस्तेमाल करें उतना बेहतर होगा। गेहूं की जगह पर बहुत सारे विकल्प है भारत में और वो है मिलेट्स, यानी गेहूं की जगह ज्वारी, बाजरी, नाचनी, रागी, ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गेहूं का इस्तेमाल जितना कम किया जाए उतना बेहतर होगा। नमक, नमक का इस्तेमाल जितना कम किया जाए उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। संसार में कोई भी जीव अलग से अपने खाने में नमक मिला के नहीं खाता। बाहर का बना हुआ भोजन और पैक्ड फूड जितना कम खाया जाए उतना स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। दूध और दूध के बने हुए उत्पादन जितने कम किए जाए उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। चीनी का इस्तेमाल, चीनी यानी शुगर, अगर आप शुगर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको भविष्य में हड्डियों से संबंधित बीमारियां होना तय है और आपको नी रिप्लेसमेंट भी बुढ़ापे में जरूर करवाना पड़ेगा। आप इन सारी हड्डियों से संबंधित बीमारियों से बचना चाहते हैं और बुढ़ापे में नी रिप्लेसमेंट से भी बचना चाहते हैं, यानी घुटने बदलवाना नहीं चाहते, तो आपको चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसकी जगह पर गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ रिफाइंड ऑयल, आप अपने घर में रिफाइंड ऑयल की जगह पे कच्ची घानी का शुद्ध तेल अगर लेके इस्तेमाल करें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होगा, राइट? आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि हमारा दिनचर्या कैसा होना चाहिए और इसे हम कहते हैं ओजस लाइफ 50-50 डाइट प्लान, यानी आधा कच्चा और आधा पक्का। आधा वो भोजन जो आपको स्वास्थ्य देगा, आधा वो भोजन जो आपको खाने में बहुत स्वाद देगा, आनंद देगा, लेकिन साथ ही साथ बीमारियां भी देता है। याद रहे, पका हुआ भोजन केवल बीमारियां देता है, तो हमें अब बैलेंस बनाना है लाइफ में। अभी तक हम क्या कर रहे थे, केवल पका हुआ भोजन ज्यादा ले रहे थे, लेकिन अब हम बैलेंस बनाएंगे 50-50 का। और वो बैलेंस कैसे बनाएंगे उसे देखते हैं। सबसे पहले स्टेप वन ये होगा 14 घंटे का उपवास। हमने शुरुआत में अगर आपको याद हो तो बात की थी आकाश तत्व उपवास करने से मिलता है और इसे हम दैनिक जीवन में कैसे जोड़ेंगे इस पे हमने चर्चा की थी, राइट? तो उसी विषय को अब आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि फास्टिंग उपवास करने से शरीर में सफाई होती है और इसीलिए जब हम रात को सो जाते हैं, खाना बंद रखते हैं, तब हमारे शरीर में सफाई का काम सबसे ज्यादा उस समय होता है। रात्रि के आखिरी भोजन से लेकर सुबह के पहले भोजन तक जो समय होता है बीच का, उसे फास्टिंग आवर्स कहते हैं। और वो फास्टिंग समय जो होता है हर इंसान का 10 से 12 घंटे के बीच होता है। तो आप देखिए, अगर आपने रात को 9 बजे खाना खाया है, अपना आखिरी भोजन 9 बजे लिया है रात को, और सुबह उठने के बाद आपने 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट लिया यानी कि नाश्ता लिया, तो आपका 11 घंटे का उपवास अपने आप हो गया है। अब इस 11 घंटे के उपवास को आपको 14 घंटे पर लेकर आना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा गैप रखेंगे रात्रि के आखिरी भोजन से लेकर सुबह के ब्रेकफास्ट तक में, उतना आपके शरीर में सफाई का काम ज्यादा होगा, बेहतर होगा। और इसीलिए आप देखिए कि जब हम सुबह उठते हैं तब सबसे ज्यादा गंदगी शरीर से बाहर फेंकी जाती है, वो चाहे आंखों में चिपचिपापन हो, चाहे मुंह से गंदी दुर्गंध हो, और चाहे वो मल मूत्राशय के द्वार से सफाई हो, तो वो सारी सफाई सुबह सुबह होती है। उसका कारण है कि रात को जब हम सोते हैं उस समय का उपवास सबसे लंबा होता है और उसी में सबसे ज्यादा सफाई का काम होता है। तो इस उपवास के समय को आप जितना बढ़ा सके उतना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा, राइट? और इस उपवास के समय में आप पानी का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। 14 घंटे के उपवास के दरमियान आप भरपूर पानी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ 60 मिनट की धूप लेनी है हर हफ्ते, और साथ ही साथ अगर उसी समय प्राणायाम और अगर योग को किया जाए तो भी बहुत बेहतर होगा। सुबह का नाश्ता, 3 वक्त का मुख्य भोजन हम लेते हैं। मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि आप तीनों वक्त का खाने को बदल दीजिए,
लेकिन कम से कम एक वक्त का मुख्य धारा का भोजन बदलना बहुत जरूरी है, और वो है सुबह का ब्रेकफास्ट। सुबह का नाश्ता आपको बदलना चाहिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सुबह का नाश्ता जो है वो केवल फ्रूट्स होना चाहिए, यानी कि फल होना चाहिए। ऋतु के अनुसार जो भी फल मिलते हैं आप उनका सेवन कर सकते हैं, और प्रति व्यक्ति कम से कम आधा किलो यानी 500 ग्राम फल खाने चाहिए। और 500 ग्राम मात्रा कोई बहुत बड़ी मात्रा नहीं है और बहुत सामान्य मात्रा है। आप दो अलग अलग प्रकार के फल कम से कम ले, और कम से कम 250 ग्राम यानी केले खाएंगे तो कम से कम दो केले खाने हैं, दो केले का मतलब है 250 ग्राम, और उसी तरीके से 250 ग्राम और कोई फ्रूट आप ले सकते हैं। ऐसे आपका सुबह का नाश्ता हो जाएगा, ब्रेकफास्ट हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा। इसी के साथ साथ दोपहर के भोजन से पहले और शाम के भोजन से पहले आपको एक प्लेट सैलेड की बनानी चाहिए, और उसमें कम से कम 250 ग्राम 250 ग्राम सैलेड होने चाहिए, यानी कम से कम तीन टमाटर होने चाहिए। तीन टमाटर या छोटे हैं तो चार टमाटर खाने पड़ेंगे, और चार टमाटर का मतलब होगा 250 ग्राम। और अगर आप जो भी खाना चाहे सैलेड में, आप चाहे काकड़ी खाना चाहे ककड़ी या टमाटर या गोभी या फिर आप गाजर बीटरूट, आपको जो अच्छा लगता है वो सैलेड आप खा सकते हैं, यानी कच्ची सब्जियां जो भी आपको भाए वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप सामान्य भोजन ले सकते हैं जिसमें आपकी रोटी दाल चावल सब्जी जो भी आप लेना चाहे वो खा सकते हैं। तो ये होगा पूरा का पूरा दिनचर्या आपका। इस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य को भी बैलेंस कर पाएंगे और साथ ही साथ बीमारियों से भी मुक्त रह पाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं विषय पर थोड़ा सा और उसके बाद आपके प्रश्नों से जुड़ते हैं सीधे। सर्दी जुकाम यानी कि और बुखार होना, लूज मोशन होना और वॉमिटिंग होना यानी उल्टिया होना, ये हमारे दोस्त है, ये हमारे दुश्मन नहीं है। ये सफाई के एक चिन्ह है और संकेत है। जब भी शरीर में कूड़ा बढ़ जाता है यानी टॉक्सिन बढ़ जाता है, तब शरीर सफाई का काम शुरू करता है, और उस सफाई के काम के दरमियान में जुकाम के जरिए बहुत सारा बलगम बाहर फेंका जाता है। तो इसे दवाइयां खाकर रोकना नहीं है और उसे बाहर निकलने देना है। और बुखार भी जब आता है, शरीर का तापमान जब बढ़ता है, तो इसका मतलब है शरीर में कोई दुश्मन ने अटैक किया है, और उस समय भी शरीर को गोली देकर कोई भी दवाई किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेकर आपको उस बुखार को दबाना नहीं है। बल्कि उस समय जब भी इस तरीके का सफाई का काम हो, तो मेरी एक आज कुदरत का नियम आप याद रखिए कि संसार में कोई भी पशु प्राणी कोई भी जीव जब वो बीमार पड़ता है तो खाना बंद कर देता है। और आज मेरे इसी नियम को आप ध्यान में रखिए कि चाहे आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो स्वास्थ्य को लेकर, चाहे पेट दर्द हो, खाज खुजली हो, या सर दर्द हो, या फिर गैस हो, या बुखार हो, या कोरोना हो, या कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा हो आपको शरीर को लेकर, आपको एक ही मंत्र याद रखना है और वो है खाना रोक देना है। कम से कम पका हुआ भोजन रोक देना है और केवल फ्रूट्स का सेवन करना है और जूसेस पीने हैं, बाकी सारा भोजन रोक देना है। और जितनी छोटी प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम छोटी है तो आप एक वक्त का खाना रोक देंगे तो भी आप ठीक हो जाएंगे, और अगर प्रॉब्लम बड़ी है आपको लगता है तो आप एक दिन या दो चार दिनों के लिए पका हुआ भोजन रोक दें, और तीन चार दिनों के लिए केवल जूसेस और फ्रूट्स पे आ जाए, और आप देखेंगे कितनी से बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो, तो आपका वो बिना दवाइयों के किसी भी प्रकार की किसी भी इंटरवेंशन के बिना वो ठीक हो जाएगा। और ऐसे हजारों किस्से हैं हमारे पास जिन्होंने अपना कोरोना घर बैठे बैठे ठीक कर लिया। आप खाना नहीं रोकेंगे तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, और खाना रोक देंगे तो आपकी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी कुदरती तरीके से। तो किसी भी प्रकार की असुविधा में खाने को रोक देना है, और याद रहे लंगनम परमो औषधम यानी उपवास। लंगनम यानी उपवास, और उपवास जो है इस दुनिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। हमारी किताबों में हजारों साल पहले लिखा था, और साल 2016 में डॉक्टर योशिनोरी जापान के एक साइंटिस्ट है, इन्होंने
ये स्टडी के जरिए साबित कर दिया कि उपवास करने से छोटी नहीं बल्कि बड़ी से बड़ी बीमारी यानी कैंसर तक को ठीक किया जा सकता है। और इस बात को साबित करने के लिए इन्हें 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया यानी कि नोबल प्राइज दिया गया, राइट। तो ये प्रूवन साइंस है और इस पे कोई भी हमें शंका या कुशंका करने की आवश्यकता नहीं है। संसार के सारे पशु प्राणी इसी विज्ञान का पालन करते हैं और स्वस्थ और निरोगी जीवन जीते हैं। आज से आप जैसे ही अपनी जीवन शैली में बदलाव करेंगे तो आपके शरीर में जो पुराना कूड़ा अंदर जमा हुआ है उसे भी बाहर निकलना होगा, उसकी भी सफाई होगी। और जब सफाई होगी तो आपको स्क्रीन पे दर्शाए गए संकेत महसूस हो सकते हैं और इनमें से कुछ मुख्य संकेतों को मैं शेयर करना चाहूंगा, जिसमें आपके यूरिन का कलर, मूत्र का कलर और गाढ़ा हो जाएगा। और ऐसा होता है तो आपको पानी की मात्रा को बढ़ा लेना चाहिए। साथ ही साथ वीकनेस, 2-4 दिनों के लिए आप जीवन शैली में बदलाव करेंगे तो आपको इसमें इस सफर में 2-4 दिनों के लिए कमजोरी आने की संभावना रहती है। और अगर वो कमजोरी आती है तो उससे घबराए नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। और इस कमजोरी को अगर आप पार कर लेंगे तो आपकी जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो दोगुनी यानी दुगुनी बढ़ जाएगी और आप पहले से बहुत अच्छा महसूस करेंगे। साथ ही साथ जुकाम होना, अगर आपके शरीर में पुराना बलगम जमा हुआ है तो उसे बाहर फेंका जाएगा, यानी जुकाम होने की संभावना भी रहेगी। सरदर्द, जिन लोगों ने जीवन शैली में बदलाव करते हैं तो शुरुआत में 2-4 दिनों के लिए सरदर्द होने की भी संभावना रहती है कुछ लोगों को, तो घबराए नहीं और सर पे ठंडे पानी की पट्टी लगाए, 2-3 दिनों में वो प्रॉब्लम, वो शिकायत भी आपकी समाप्त हो जाएगी और आगे आपका सफर जो है जीवन का वो एक अलग लेवल का होगा। एक आनंद जो है आपके जीवन का वो एक अलग लेवल पे होगा, राइट। सो मैं कुछ शेयरिंग्स बस शेयर करना चाहता हूँ, फटाफट फोटोज दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आपके शीघ्र ही हम आपके सवालों के साथ जुड़ते हैं। मेरे भोजन से पहले की जो प्लेट होती है वो आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं भोजन से पहले किस प्रकार के सैलड लेता हूँ और कितनी मात्रा में लेता हूँ, आप वो देख सकते हैं। साथ ही साथ सेलिब्रिटीज ऑन अमृत आहार, हमारे बाबा रामदेव जी जो है पिछले 25 साल तक केवल लिविंग फूड पे थे यानी कच्चे भोजन पे थे। 25 साल तक उन्होंने पके हुए भोजन का एक भी दाना नहीं लिया था और पिछले 2-3 साल से उन्होंने बहुत कम मात्रा में पका हुआ भोजन, रात को थोड़ा सा एक बार हल्का सा भोजन उन्होंने खाना शुरू किया है। बाकी अभी भी वो 80-90% जो है वो केवल कच्चा भोजन ही लेते हैं। कुछ लोगों के उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, पेश करना चाहूंगा, जिन्होंने आप लोगों की ही तरह मेरा ये सेमिनार सुना था और सेमिनार सुनने के बाद उनके जीवन में जो प्रभाव हुआ है उसे मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। लेकिन अगर डिटेल में आप ये देखना चाहते हैं लोगों की कहानियां, तो आप हमारे फेसबुक का पेज विजिट करें और फेसबुक के पेज पे आपको न सिर्फ उनकी कहानियां मिलेगी बल्कि उनके फोन नंबर्स भी मिलेंगे, तो आप उनसे फोन पर भी बात कर सकते हैं कि आपका ओजस के साथ का सफर कैसा रहा, राइट। सबसे पहले है भाविनी जी मुंबई से, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, पाइल्स की प्रॉब्लम थी, इन्होंने जीवन शैली में बदलाव किया और 1 साल में सारी बीमारियां समाप्त हो गई और बोनस में 25 किलो वजन उनका कम हो गया है और आज वो अपने स्वास्थ्य का पूरा आनंद ले रहे हैं। विक्रम भाई, जिनके वाइफ को अस्थमा था, वो अस्थमा ठीक हो चुका है, उनका पंप लेना पूरी तरह से छूट चुका है और उन्होंने अब तक 30 किलो से ज्यादा वजन कम कर लिया है। देवांग कारिया, जो आज से 2 साल पहले 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाते थे और 100 मीटर केवल दौड़ने पे उनके फेफड़े फूल जाते थे, वो इंसान आज 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ता है, वो भी बिना रुके, राइट। तो आज उन्होंने 30 किलो से ज्यादा वजन कम कर लिया है। ईशा जैन, जिनको पेट से संबंधित बीमारियों की समस्या थी और साथ ही साथ वजन भी ज्यादा था, वो आज पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी हो चुकी है। डॉक्टर लक्ष्मी,
डॉक्टर लक्ष्मी वाडिया हॉस्पिटल मुंबई से है और उन्होंने अपनी माइग्रेन की प्रॉब्लम, माइग्रेन यानी सरदर्द की प्रॉब्लम को ठीक कर लिया है और साथ ही साथ बोनस में 12 किलो से ज्यादा वजन कम कर लिया है। विलास विलनकर जी जो मुंबई से रहने वाले हैं, उन्होंने डायबिटीज से, जिनको 12 साल से डायबिटीज थी, वो पूरी तरह से आज डायबिटीज से मुक्त हो चुके हैं और हाइपर एसिडिटी से मुक्त हो चुके हैं। आज वो आम की सीजन में हर दिन 1 किलो आम खाते हैं और रोज 4 से 5 गन्ने का जूस पीते हैं गर्मी के दिनों में, और फिर भी उनका डायबिटीज नॉर्मल है। राजेश भानुशाली जी जिन्होंने अपने फिटनेस को एक नए मुकाम पे पहुंचा दिया है। स्वाति पांगे जिनको स्किन प्रॉब्लम थी, आज पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी जीवन जी रही है। जगदीश मुंजरा जी जिन्होंने, जिनको डायबिटीज था और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, आज पूरी तरह से वो अपनी दवाइयों से मुक्त हो चुके हैं और 25 किलो से ज्यादा वजन कम कर चुके हैं। ये इनकी पहले की तस्वीर है स्क्रीन पर और ये उनकी आज की तस्वीर है, राइट। अरुण पांडे जी जिनको हार्ट से संबंधित हृदय रोग था, उनको हार्ट प्रॉब्लम थी और साथ ही साथ घुटनों में दर्द रहता था, आज पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी हो चुके हैं और साथ ही साथ बोनस में 30 किलो से ज्यादा वजन कम कर चुके हैं। ऐसे हजारों लोगों के, ऐसे कई लोगों के हमारे पास एंजियोग्राफी के रिपोर्ट्स है जो पहले ब्लॉकेज थे और अब उनके डाइट करने के बाद ब्लॉकेज पूरी तरह से खुल चुके हैं और उनका ब्लॉकेज पूरा निकल चुका है कुदरती तौर पे। मनोहर वासवानी जी डायबिटीज से मुक्त हो चुके हैं, साथ ही साथ उनकी वाइफ जो है लता वासवानी, लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम थी और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मेडिकल जगत में जिसे चमत्कार कहा जाता है, लोगों के साथ अनुभव हो चुके हैं, आप उनसे फोन पे बात कर सकते हैं। उषा ठाकुर जी जो कैंसर से मुक्त हो चुकी है पूरी तरह से और आज पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी जीवन जी रही है। नंदरी फ्रॉम नोएडा, ये एवैस्कुलर नेक्रोसिस नाम की बीमारी, जिस बीमारी में इंसान अपाहिज हो जाता है, उस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। मैं खुद इस बीमारी से पीड़ित था और आज से 7 साल पहले मैं खुद व्हीलचेयर पे आ चुका था और यही जीवन शैली अपना कर आज पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी हो चुका हूँ। और साथ ही साथ मेरी पहले की तस्वीर मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। अभी की तस्वीर आप मुझे स्क्रीन पर देख सकते होंगे, लेकिन ये मेरी पहले की तस्वीर है जहां पे मेरा 80 किलो से ज्यादा वजन हो चुका था और आज मैं 70 किलो से अंदर हूँ, मेरा वजन उससे कम है, राइट। अंत में मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए ओजस लाइफ की तरफ से, आपको पालन करने में, जीवन शैली बदलने में किसी भी प्रकार की असुविधा हो, आपको कोई परेशानी हो, तो आप हमारे टीम के लोगों से बात कर सकते हैं, जो ओजस लाइफ के वॉलंटियर्स है, जो साधक है, उनसे बात कर सकते हैं। ये निशुल्क आपको मदद करेंगे और उनको बड़ी खुशी होगी और आनंद होगा आपकी मदद करने में। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स आप फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार की सपोर्ट की जरूरत हो तो आप इनसे बात कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं उन सभी लोगों का आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन लोगों ने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग दिया है। और साथ ही साथ मैं दोबारा पुनः एक बार हस्तिमल बम जी जो इसके मुख्य धारा है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जो आज इस एज ग्रुप में भी बहुत ही ऊर्जा के साथ इस पूरे संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं और न सिर्फ एक स्वास्थ्य का कार्यक्रम बल्कि ऐसे बहुत सारे अनेक कार्य करके वो समाज को एक नए मुकाम पे नई दिशा दे रहे हैं और समाज को निरोगी समाज बना रहे हैं, स्वस्थ समाज बना रहे हैं। तो पुनः मैं व्यापारी महासंघ और जैन सोशल ग्रुप यानी कि भारतीय जैन संगठना बराटवाड़ा डिवीजन का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज फिर से आमंत्रित किया गया और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया गया। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, बस यही मेरी कामना है। आपके जो भी प्रश्न हो उससे हम तुरंत जुड़ते हैं, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भाई,
जी मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आपके इस मार्गदर्शन को ना उसका विश्लेषण कर सकूं। मैं एक ही शब्द में अगर कहूं तो वह है कि स्टूपेंडस, इस अत्यंत प्रभावी और अत्यंत प्रभावी ढंग से, अप्रतिम ढंग से, इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल ढंग से आपने सारी बात जो कही है। मुझे तो लगता है कि आप कहते जाते उसी समय सारे सुनने वाले श्रोताओं के भीतर भी एक रासायनिक परिवर्तन शुरू हो जाता है और उसको लगने लगता है कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं और कैसे हम अपने आप को सही कर सकते हैं। यह आपके कहने की एक अत्यंत विशिष्ट शैली है और अत्यंत प्रभावक रूप से आप अपनी बात बहुत संक्षिप्त में आप रखते हैं और यह मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके माध्यम से आज हमारे इस वेबिनार में जितने हमारे कैपेसिटी थी उसमें भी फुल हो गया था, तो उसमें सारे हमारे भाई बहन इसमें ज्वाइन हुए। फेसबुक में भी हमारे लाइव स्ट्रीम प्रदर्शन इसके स्ट्रीम पर वहां पर भी काफी लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं और निश्चित रूप से इसका लाभ उन्होंने लिया है। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे सभी पार्टिसिपेंट से कि उनके जो भी प्रश्न है, जो भी शंका है, जो भी समाधान है, एक तो वे हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में अपना प्रश्न वे लिखित रूप से पूछ सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स को कि वे अपने प्रश्न, अपनी समस्याएं या अपनी जो भी समस्या है उसको वे यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। और उसके माध्यम से अतुल भाई जो वास्तव में इस ओजस लाइफ शैली के प्रवर्तक है, उसके संस्थापक है, उसके कहना चाहिए कि एक प्रकार से कर्ता धर्ता है, और आपके माध्यम से फेसबुक के ओजस लाइफ पेज पर आज भी 5 लाख से अधिक परिवार इस ओजस लाइफ के माध्यम से उनसे जुड़े हुए हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। आपके माध्यम से हजारों ही नहीं बल्कि लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला है, अपनी जीवन शैली को बदला है और उससे स्वास्थ्य प्राप्त किया है। तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि आप अपनी समस्या या अपने प्रश्नों को यहाँ पर पूछ सकते हैं। हाँ, सबसे पहले मनीष, हाँ मैं अनम्यूट करता हूँ मनीष जी को। हाँ मनीष जी, अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्कार जयजेंद्र। यस वेलकम सर। मैं कुछ कुछ लेवल पे ओजस लाइफ फॉलो कर रहा था क्योंकि मैं फिल्म लाइन में हूँ। कहाँ तो, से मनीष जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई में हूँ सर। यस 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 वेलकम। मुंबई अंधेरी। यस यस वेलकम। थैंक यू सर। तो मैं ओजस लाइफ फॉलो कर रहा था, मतलब थोड़ी थोड़ी लेवल पे कर पाता था बिकॉज हमारी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा सा टाइमिंग और काम हमारा थोड़ा सा उठपटांग है, टाइमिंग थोड़ा उठपटांग है, तो खान पान का सिस्टम भी थोड़ा सा टाइमिंग गड़बड़ है। बट अभी मैंने ऐसी ब्लड टेस्ट करा लिए तो कुछ थोड़ा लीवर में गड़बड़ है, कुछ कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, ऐसे थोड़ा 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 सब में गड़बड़ है, लीवर कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड। तो वापस अभी नॉर्मल सिस्टम से तो आया हूँ लेकिन वो डाइटिशियन ने अलग अलग डाइट दी है, बट उसमें बहुत कुछ अलग है जो अतुल भाई ने बताया उससे। मनीष भाई आपका सवाल क्या है इसमें, मैं ये समझ नहीं पाया हूं अभी तक। बेसिकली मुझे ब्रीदिंग ट्रबल होने लगी है, मतलब मैं अगर भागता हूं तो ब्रीद कर पाता हूं। दुनिया में सारे लोग बीमार हैं और इसीलिए मेरे सामने है जो भी मेरे साथ है अभी फिलहाल किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और उस सभी लोग सभी के बीमारियों का मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, साथ ही साथ कि किसी का 140 किलो वजन है, किसी को थायराइडिज्म है, किसी को है। ये सभी लोगों के लिए मेरा एक ही जवाब है कि इंसान के जीवन की सबसे बड़ी भूल है पका हुआ भोजन, उसकी मात्रा को कम करना है। और इंसान के जीवन की दूसरी सबसे बड़ी भूल है दूध के बने हुए उत्पादन को सेवन करना, तो उसकी मात्रा को भी कम करना है। इंसान के जीवन की सबसे बड़ी भूल है विटामिन डी की कमी, यानी सूर्य देव से दूरी बनाना, तो उनके आशीर्वाद लेने हैं, उनके ब्लेसिंग्स लेने हैं और अपने विटामिन डी को ठीक करना है। तो आप किसी भी व्यक्तिगत समस्या को लेकर मेरे पास किसी बीमारी का नाम लेंगे तो मैं सारी बीमारियों के लिए, आप कोई इंसान मुझे कहेगा कि मेरे कमरे का पंखा नहीं चल रहा है, कोई कहेगा मेरे घर में फ्रिज नहीं चल रहा है, कोई कहेगा मेरे घर में जो है वो टीवी नहीं चल रहा कि हमारे बेडरूम की लाइट नहीं जल रही है, मैं आपको मेन स्विच ऑन करने का मार्ग दिखा रहा हूँ, आप मेन स्विच ऑन कीजिए और सारी बत्तियां
आपकी अगर 100 प्रकार की परेशानी आपको बीमारियां एक साथ हो, 100 बीमारियां अगर एक आप एक साथ आपको अगर हो, तो उन सारी बीमारियों का एक ही निवारण है, चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे वो गैस प्रॉब्लम हो, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, चाहे कैंसर हो, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको कोविड से बचना हो, तो उन सारी परेशानियों का एक ही मार्ग है कि अब कुदरत के साथ रिश्ता जोड़ना और कुदरत के साथ कुदरत ने बनाए हुए नियमों का पालन करना, और उन पालन करने के लिए जो मैंने आपसे जीवन शैली जो दिनचर्या शेयर किया लाइफ 50/50 उस प्लान पे आपको आना पड़ेगा, उसका पालन करना आप शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो भी परेशानियां है, जो भी रोग है और उससे लेकर जो भी आपकी पीड़ाएं है, वो सारी पीड़ाओं से आप मुक्त हो जाएंगे और एक नए स्वास्थ्य का यानी कि अखंड स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। हम अपनी पेट्रोल कार को, इंसान जो है वो पका हुआ भोजन खाने के लिए नहीं बना है। इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है उसे कुदरत खाना पका के देती है। कच्चा टमाटर हरे कलर का होता है, पका हुआ टमाटर लाल कलर का होता है, तो कुदरत अपने किचन से हमें खाना पका कर देती है और इंसान उस भोजन को दोबारा अपने किचन में ले जाकर उसका सर्वनाश करता है। उसका पकाता नहीं है, उसके सर्वनाश करना कहते हैं। तो आप अपने घर में भोजन का सर्वनाश कम करें तो आपका स्वास्थ्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। आप अपनी पेट्रोल गाड़ी को पेट्रोल थोड़ा सा देना शुरू कर दीजिए तो भी आपका स्वास्थ्य एकदम बेहतर हो जाएगा, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आप अभी फिलहाल जो है वो उसे घासलेट पे चला रहे हैं और घासलेट पे आपकी गाड़ी ने जवाब दे दिया है। 20 साल 25 साल की उम्र तक तो ये गाड़ी संभाल ले घासलेट पे, क्योंकि गाड़ी नई नई है, लेकिन उसके बाद ये जवाब देना शुरू कर देती है। तो आप अपनी गाड़ी को सही ईंधन देना शुरू करें, आप अपने शरीर की इस गाड़ी को सही ईंधन देना शुरू करें और आप अपने सारी बीमारियों से मुक्त होना शुरू हो जाएंगे और एक नए स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। इज इट क्लियर मनीष भाई? जी सर, थैंक यू। कोई कंफ्यूजन में ना रहे, ये डायटिशियन वायटिशियन ये सारे ह्यूमन इंटरवेंशन है, ये सारा यूएस का सबसे बड़ा ठगोसला है इंसान को बेवकूफ बनाने का। इससे बाहर निकलिए, कुदरत के कानून बहुत सिंपल है और इसे एक बालक भी समझ सकता है, छोटा 10 साल का बच्चा भी मेरी बातों को समझ सकता है। मैं कुदरत के कानून बताता हूँ जो यूनिवर्सल है, ये इतना सिंपल है, लॉजिकल है। मैं कहूंगा कि मैं अपने हाथ से इस मोबाइल को छोड़ दूंगा तो ये कहां जमीन पे गिरेगा, मैं कहता हूं जमीन पे गिरेगा, तो इसके लिए मुझे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, ये यूनिवर्सल है। संसार में कोई भी जीव अन्य जीवों का दूध नहीं पीता और इंसान को भी नहीं पीना चाहिए। संसार में कोई भी पशु प्राणी पका हुआ भोजन पका के नहीं खाता, और जो भी पका के खाएगा पशु प्राणी भी वो भी बीमार पड़ेगा, उसे भी डायबिटीज हो जाएगा, उसे भी कुछ दिनों में चश्मे लगाने पड़ेंगे। राइट, सिर्फ इंसान को चश्मे लगाने पड़ते हैं, बाकी किसी संसार में जीव को चश्मे नहीं लगते। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इंसान के जीवन की भूले या जिसे गलतियां कहे, जो जाने अनजाने हमने की है। तो अब आप अपनी जीवन शैली को बदलिए और आप नए स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। यस, और मेरे साथी कोई जीवन शैली आपको पालन करने में कोई प्रश्न हो या मेरे कहीं कहीं कोई किसी बातों में आपको डाउट हो तो आप जरूर सवाल को आगे कीजिए कि धूप को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न हो या कच्चा भोजन को लेकर कोई किस तरीके से क्या होता है या कोई प्रश्न हो तो आप जरूर सामने रखें। अतुल भाई, रोहित गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वे भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित भाई अनम्यूट करें अपने आपको। यस वेलकम। आवाज नहीं आ रही रोहित भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वॉल्यूम ठीक है। नहीं रोहित भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही है, फिर से अनम्यूट हो गए आप। नहीं आवाज नहीं आ रही है। अतुल भाई एक प्रश्न, खुशबू जी को अनम्यूट कीजिए। खुशबू बोलिए अभी भाई। हाँ यस यस, एक चैट बॉक्स में एक प्रश्न आ रहा है, कैन 12 ईयर पार्किंसन बी क्योर्ड? पार्किंसन इस बीमारी से मुक्त हुआ जा सकता है क्या? दो दो दुनिया की, अबे भाई दुनिया की हर बीमारी
हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है या फिर ठीक ना किया जा सके तो कम से कम उसे उसी स्टेज पे रोका जा सकता है, या दुनिया की हर बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्स का मतलब है उसे उसके लक्षणों को समाप्त कर देना पूरी तरह से और दवाइयों से मुक्त हो जाना, और या फिर उस बीमारी को उसी मुकाम पे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। तो आप अगर जीवन शैली में बदलाव करेंगे तो आप जरूर उस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे या फिर कम से कम उस बीमारी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और साथ ही साथ एक बीमारी जीवन का अंत नहीं होता, आपको आने वाले भविष्य की बीमारियों से भी अपना बचाव करना है तो आपको जीवन शैली में बदलाव करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक रोगी इंसान के लिए और या फिर एक निरोगी इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। यस खुशबू मुथा अनम्यूट करें, खुशबू अनम्यूट करें अपने आपको। यस खुशबू, हाँ मैंने अनम्यूट किया है इधर से, आप अपनी ओर से अनम्यूट कीजिए और ज्वाइन होइए। हाँ यस वेलकम, अनम्यूट नहीं कर पा रही है आप शिल्पा जी को कर दीजिए तुरंत, दूसरे को चेंज कर दीजिए, उनको वेटिंग पे डाल दीजिए। शिल्पा यस हाँ अनम्यूट करिए, शिल्पा सहायता, शिल्पा हाँ अनम्यूट करें अपने आपको। हाँ यस वेलकम। जब तक के लिए हम लोग थोड़ा सा एक और कुदरत का नियम सुन लेते हैं, जब तक कोई सवाल महत्वपूर्ण सामने नहीं आ रहा है तब तक एक कुदरत का सबसे इम्पोर्टेंट नियम बताता हूँ और इंसान की एक सबसे बड़ी भूल बताता हूँ। इंसान ने अपने जीवन में अपने खान पान में जो है अनाज को जोड़ा, अनाज को अपने भोजन में जोड़ा, ये इंसान की सबसे बड़ी भूल है। अनाज जो है वो इंसान मनुष्य का आहार नहीं है, अनाज जो है वो पक्षियों का आहार है, वो पक्षियों का भोजन है, वो इंसान का भोजन नहीं था। इंसान का मुख्य भोजन था फ्रूट और सैलड खाना यानी सब्जियां खाना, अनाज ये हमारा भोजन नहीं था। और अनाज जो है इसीलिए आप जितनी कम मात्रा में सेवन करेंगे उतना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। अनाज याद रहे खाते वक्त, आप याद रखना अनाज खाते वक्त की जितनी ज्यादा मात्रा में आप अनाज का सेवन करेंगे, अनाज का मतलब है दालें, जितने गेहूं चावल दालें चने की दाल या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का अनाज, ये इंसान का भोजन नहीं है और इसे जितना कम सेवन किया जाए उतना अच्छा है। क्योंकि जितनी ज्यादा मात्रा में आप अनाज का सेवन करेंगे दिन भर में उतना ही दूसरे दिन सुबह टॉयलेट में बैठकर आपको रोना पड़ेगा, आंखों से आंसू बहाने पड़ेंगे। और कुछ साल तक अगर आंखों के आंसू बहाकर भी आपको समझ नहीं आएगी तो आपको खून बहाना पड़ेगा यानी कि पाइल्स हो जाएंगे, आपको फिशर्स हो जाएंगे। और 40 की उम्र के बाद आज 10 में से लगभग 5 से ज्यादा लोग यानी 7 लोगों को फिशर्स और पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, वो टॉयलेट में बैठते हैं और खून बहाते हैं। तो आंसुओं से अगर आपको समझ नहीं आएगी तो खून के आंसू बहाने पड़ेंगे वॉशरूम में। तो अनाज को खाते वक्त सावधान हो जाइए, आपको नमकीन भी खाना है तो उसका भी आनंद लीजिए, लेकिन नमकीन खाते वक्त आप नमकीन के अंदर बहुत सारे प्याज मिला सकते हैं, टमाटर मिला सकते हैं, ककड़ी मिला सकते हैं और उसमें हरी चटनी मिला सकते हैं, मिर्ची मिला सकते हैं, ताकि आपके नमकीन का स्वाद भी बढ़ जाए और उससे शरीर को नुकसान भी ज्यादा ना पहुंचे। तो अनाज खाते वक्त सावधान रहे, जितना कम मात्रा में अनाज का सेवन करेंगे उतना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। जी और कोई सवाल कोई है? हाँ खुशबू जी अनम्यूट करें। हाँ शिल्पा जी आप अनम्यूट है, बोलिए। हाँ ये पूछना था कि पॉट कहाँ पे मिलता है एनीमिया लेने के लिए? आप कहाँ पे बेस्ड है शिल्पा जी? शिल्पा जी आप कहाँ से बोल रही हो? नाम आ गया था लेकिन आवाज नहीं मौके पर नेटवर्क। हाँ फिर से म्यूट अनम्यूट करें अपने आपको शिल्पा जी। हाँ मुंबई अंधेरी से। हाँ बोलिए। मुंबई अंधेरी का आप नंबर जो अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया हो जो मैंने शेयर किया था उसमें विलास विलनकर जी का नंबर था, आप उनसे संपर्क कीजिए। जो सपोर्ट सिस्टम का मैंने आपको नंबर दिखाया था उसमें किसी भी फोन नंबर पे संपर्क कीजिए। ओके जी ओके थैंक यू। हाँ रोहित जी आप म्यूट है बोलिए। हेलो हाँ यस यस वेलकम।
अतुल सर, मेरे फादर साहब है सुभाष जी, 57 ईयर उनकी एज है, पिछले 9 फरवरी से आपका ओजस लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, काफी इंस्पायर हुए आपसे, और उनकी जो शुगर की टैबलेट्स है वो कम हो गई है, बिल्कुल बंद कर दिया, पहले 175 शुगर रहता था डबल टाइम मेडिसिन लेने के बाद, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है शुगर की, उनको बिल्कुल ठीक हो गए हैं, यूरिन की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है, लेकिन उनको एक तो सुनने की प्रॉब्लम अभी भी पेंडिंग रहती है, हियरिंग प्रॉब्लम है उनको, एक कान से सिर्फ 20% सुनाई देता है और दूसरे से सिर्फ 40%, और एक उनके पैरों में जलन भी काफी रहती है सर। देखिए, ये डायबिटीज को लेकर पैरों की जलन जो है वो उसके संकेत है, तो आप तो एक तो उनका B12 चेक कीजिए, अगर जरूरत पड़े तो सप्लीमेंट कीजिए, इमरजेंसी तौर पे आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा, कान की जो प्रॉब्लम है वो कफ के रोग है, यानी कफ, यानी उनको पिछले भविष्य में उनको कफ की समस्या रही होगी काफी, और इसीलिए उनको कान की प्रॉब्लम आई है, वरना कोई भी इंसान 100 साल का हो जाए तो भी उसे 100% एक सुई गिरने का आवाज भी सुनाई दे सकता है, अगर वो दूध के उत्पादनों से दूर रहे तो। और कान और आंख की सारी बीमारियां जो है वो दूध के उत्पादन की ही देन है, तो अब उनके शरीर में जो बलगम है उसे क्लियर करना है, और उससे मुक्त करने के लिए उनको विटामिन सी जिस फ्रूट में होते हैं, यानी साइट्रस फ्रूट उनको बढ़ा देने चाहिए। साइट्रस फ्रूट का मतलब है खट्टे फलों को ज्यादा सेवन करें ज्यादा से ज्यादा, और हो सके तो कुछ दिनों के लिए, 5 दिन या 10 दिन के लिए वो केवल खट्टे फलों पे मोनोडाइट कर सकते हैं। मोनोडाइट यानी सारा पका हुआ भोजन का त्याग करना और 10 दिन के लिए उपवास करना केवल खट्टे फलों के सेवन पे। तो खट्टे फलों में नींबू बहुत ही पावरफुल है, जो गर्म पानी में डाल के नींबू पी सकते हैं, दिन में 5-5, 6-6 नींबू भी प्रयोग किए जा सकते हैं, पिए जा सकते हैं। साथ ही साथ खट्टे फलों में आप देखिए पाइनएप्पल होता है, या फिर जो ऋतु के अनुसार जो भी फ्रूट आपको मिलते हैं उसका सेवन करें। शिमला मिर्च में बहुत ही विटामिन सी होता है, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं, तो इसका सेवन करें। और डिटॉक्स के लिए प्लान करिए थोड़ा उच्चतम लेवल पे, यानी कि उपवास करके 10 दिनों के लिए सारा भोजन रोक के सिर्फ जूसेस पे रहना या खट्टे फलों पे रहना, तो उससे अवश्य लाभ होगा, राइट। एंड थैंक यू रोहित भाई फॉर शेयरिंग कि उन्होंने पहले सेमिनार अटेंड किया और उनका डायबिटीज से आज पूरी तरह से लगभग मुक्त हो चुका है, दवाइयां सारी बंद हो चुकी है उनकी, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। या मीना जी छेड़ा, यस मीना जी, हां हेलो, मुझे हाइपो आपको सुनाई दे रहा है? हेलो, जी बिल्कुल बोलिए। हाँ, मुझे हाइपोथायराइड है ना, तो मेरे मुझे ना एनिमा स्टार्ट करना है, तो एनिमा मुझे कितना दिन लेना है और दिन में कितना टाइम लेना है? एनिमा जो है 30 दिनों से मिनिमम 30 दिन आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको नजर आएगा, तो 30 दिनों से लेकर 90 दिनों तक आप उसका प्रयोग कर सकते हैं दैनिक जीवन शैली में रोज का रोज, और दिन में अगर आप कंफर्टेबल है तो 2 वक्त भी इसका प्रयोग कर सकते हैं डिटॉक्स के लिए। और इसी साथ साथ एनिमा के बारे में आप कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी आप एक बार देख लीजिएगा, कि जिनको पेट की कोई सर्जरी हुई हो रिसेंटली 1-2 महीने में, वो 3 महीने तक एनिमा का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी जो है, जिनको सोडियम फ्लक्चुएशन होता है वैसे लोगों को वाटर एनिमास यूज नहीं करने चाहिए, बाकी सारे लोग एनिमा का प्रयोग कर सकते हैं। 1 साल के बच्चे से या 6 महीने के बच्चे से लेकर 120 साल के बुजुर्ग तक कोई भी व्यक्ति वाटर एनिमास का इस्तेमाल कर सकता है अपने डिटॉक्स के लिए, और स्वास्थ्य की गाड़ी को जल्दी से पटरी पे चढ़ाने के लिए एनिमा का प्रयोग कर सकता है। एनिमा को लेकर मेरा अलग से एक सेमिनार ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप YouTube चैनल पे देख सकते हैं, या फिर हम आग्रह करेंगे हस्तिमल जी से कि एक बार हम केवल डिटॉक्स पे एक सेमिनार आयोजन करें, और जल्द, उसमें ज्यादा विलंब ना करें, 10 दिनों में ही एक डिटॉक्स पे, और हो सके तो हस्तिमल जी अभी तारीख आप नोट करके ऐलान कर दीजिए उस सेमिनार का, ताकि इसके आगे का जो विषय है उस पर हम चर्चा कर सके। हर बार हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो इस बार उनको थोड़ा सा और आगे गहराई में लेकर जाते हैं, जहां पे उनको एनिमा के बारे में या उपवास के बारे में और अधिक जानकारी हम दे सके, इस विषय की गहराई में ले जा सके। और वही मुझे पूछना था, मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो मैं कर सकती हूँ ना? मतलब बिल्कुल कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और मेरा वेट भी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, केवल 2 प्रकार के लोग जो है इस डाइट को फॉलो करने से पहले डॉक्टर को संपर्क करें,
एक जिसका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है उसे पहले संपर्क करना चाहिए, क्योंकि उसे पानी पीने की लिमिटेशंस होती है, उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और दूसरा जिसका किडनी फेल हो चुका है वैसे व्यक्ति को भी इस डाइट को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। वो जो फ्रूट और सब्जी आपको खाने के लिए परमिट करे उसी फ्रूट और सब्जी को आपको केवल खाना चाहिए, बाकी के फल और सैलेड आपको नहीं खाने चाहिए। तो केवल किडनी के विषय में, किडनी फेल जिनका हुआ हो या जिनका क्रिएटिनाइन लेवल जो है बहुत ज्यादा हो, वैसे लोगों को अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। बाकी के सारे लोग जो है निसंकोच ये डाइट को शुरू कर सकते हैं बिना किसी प्रश्न के। ओके, थैंक यू। नीतू संकलेचा, नीतू जी। हाँ जी, मुझे जैसे आपने आपका सुना मैंने, तो उसमें वही था कि आफ्टर 40 डार्क सर्कल्स आने लगते हैं, इट इंडिकेट्स टू मतलब भयंकर बीमारी है, ऐसे अतुल जी ने बताया। तो ये चीज आई एम फेसिंग दैट, लाइक जैसे 40-41 जैसे क्रॉस हो रहा है, तो आई एम फीलिंग दैट कि बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स आ रहे हैं। आपने कभी सूर्य देव के दर्शन ही नहीं किए है, ये आपके 15 साल की विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और इसी के साथ साथ आपको जो कॉन्स्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम है ये उसका इंडिकेशन है। तो आपने जो पिछले 10-15 साल में आपको जो प्रॉब्लम रही है, साथ ही साथ में आपकी हेल्थ अगर डार्क सर्कल है, तो उस इंसान को मैं कहता हूँ सर्वगुण संपन्न। जो इंसान को डार्क सर्कल है उसे मैं कहता हूँ सर्वगुण संपन्न, यानी आप सारे जो है बीमारियों के लक्षण जो है इंडिकेशन जो है वो महसूस कर रहे होंगे, यानी आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होगी, महिलाओं से संबंधित जो बीमारियां है उसकी भी लक्षण होगी। तो ये सारे लक्षण जो आपको स्टोन के लक्षण जो मैंने पहले लेवल के इंडिकेशन दिखाए थे, वो सारे इंडिकेशन लगभग आपको 70% प्रॉब्लम उसमें से आपको होगी जो आप फेस कर रहे होंगे। तो आपको जो है तुरंत डाइट चेंज करनी चाहिए, धूप लेना शुरू कर देना चाहिए, और आने वाले भविष्य में हम दोबारा डिटॉक्स में सेमिनार करेंगे। मैं चाहता हूँ, देखते हैं कि हस्तिमल जी कब इसका आयोजन करते हैं, तो उसमें आपको बताएंगे कि आपको डिटॉक्स कैसे करना है नेक्स्ट लेवल का, तो वो डिटॉक्स के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। नीतू जी आप कहाँ से बोल रही है? मैं सोलापुर से बोल रही हूँ, महाराष्ट्र। वेरी गुड, यस यस। मैं बातचीत करता हूँ सुहास जी से। यस सुहास जी, वेलकम। गुड इवनिंग अतुल जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मुंबई से, ठाणे से बात कर रहा है सर। वेलकम, मुंबई के लोग। अतुल जी, एक्चुअली मैं आपसे आपका सेमिनार इसके पहले भी सुना है, इन अप्रैल मंथ के अंदर, वहां से मैंने आपका जो डाइट प्रोग्राम है वो भी मैं चालू किया है, नियर अबाउट अभी 4 महीना हो रहा है, और मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे यानी चेंजेस हो चुके हैं ऑलरेडी। आई लूज अराउंड 3 kg टिल डेट। उसके अंदर मेरा जो प्रॉब्लम है वो डायबिटीज टाइप 2 का था, अभी भी है, और उसके अंदर मेरा जो विटामिन D3 प्लस होमोग्लोबिन प्लस B12 ओ यानी लिमिट के बाहर यानी नीचे था, अंडर कंट्रोल में नहीं था, इट्स लोअर इन द लिमिट। सो मैं और कुछ आपसे जानना चाहता है कि इसके लिए और कुछ यानी इसके अलावा जैसे फ्रूट्स है, आपका ग्रीन चटनी है, जैसे आप वो आपने 4 महीने से अगर अभी तक डायबिटिक है, तो इसका मतलब आप ओजस लाइफ पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आपको कम से कम आधा किलो फ्रूट, अगर आपको डायबिटीज है तो आपको कम से कम 1.25 किलो फ्रूट्स खाने चाहिए। आपको दूसरे को आधा किलो खाने हैं, जिसे डायबिटीज हो उसे 1.25 किलो फ्रूट खाने चाहिए, 1.25 किलो से ज्यादा भी ले सकते हैं, 1 किलो भी ले सकते हैं। और आपको कम से कम आधा किलो सैलेड खाने चाहिए, मतलब 250 ग्राम दोपहर को और 250 ग्राम शाम को। और कुछ दिनों के लिए अगर आप थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं गहराई में, तो कुछ दिनों के लिए अनाज बंद कर सकते हैं, यानी केवल सब्जियां खाइए और फ्रूट और सैलेड खाइए और पकी हुई सब्जियां भी खाइए, बाकी सारा अनाज बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए या महीने भर के लिए, तो आप जल्दी से नेक्स्ट लेवल पे मूव कर पाएंगे, यानी पूरी तरह से अपनी बीमारी से मुक्त हो पाएंगे जल्दी से जल्दी। सर, होमोग्लोबिन के लिए कुछ दूसरा उपाय है? आप जब आपकी गट हेल्थ बराबर हो जाएगी, जब आप प्रॉपर फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो हेमोग्लोबिन, ऐसे हजारों लोग हैं जिनका नहीं बढ़ रहा था और ओजस लाइफ शुरू करते ही बढ़ गया। ग्रीन जूस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ग्रीन्स जो है इसको जगह दीजिए अपने डाइट में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेमोग्लोबिन के लिए तो कैरेट बीट का जूस अगर आप लेते हैं तो उससे भी बढ़ेगा। आयरन के लिए आप पालक को ऐड कीजिए अपने जूस में, तो उससे बढ़ जाएगा। और एक था सर, B12 भी मेरा लोअर लो है,
हर बार मेरे को सप्लीमेंट्री लेना पड़ता है B12। B12 जो है वो B12 का मतलब है कि पहले B12 क्या होता है, पहले ये समझिए, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे कीटाणु अपने शरीर के अंग है, हमारे शरीर का हिस्सा है कीटाणु, और अगर हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया ना हो तो इंसान जीवन जी नहीं सकता। हमारे शरीर का आधा हिस्सा जो है वो बैक्टीरिया संभालता है, यानी कीटाणु संभालते हैं। अगर हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते, यानी अच्छे कीटाणुओं के बिना जीवन संभव नहीं है। तो कीटाणु हमारे दुश्मन नहीं है बल्कि हमारे दोस्त है, और गुड बैक्टीरिया जो है हमें पहले कुदरती पानी के जरिए मिलते थे। जब इंसान कुएं का पानी पीता था या तालाब का पानी पीता था तो उससे हमें अच्छे कीटाणुओं की मात्रा बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती थी, लेकिन आज इंसान का वो रास्ता कट चुका है, और इसके लिए खास तौर पे वेजिटेरियन लोगों के अंदर B12 की एक बड़ी समस्या बनी रहती है। तो B12 के लिए खाने के जरिए कोई भी और दूसरा मार्ग नहीं होने की वजह से केवल वो गुड बैक्टीरिया जो है हमें पानी के जरिए मिलते थे। अगर आपको कहीं से कुदरती पानी मिलता है, झरने का पानी या फिर किसी नेचुरल रिसोर्सेस से पानी मिलता है, तो आप अपने बिना दवाइयों के B12 को ठीक रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये रास्ता ना हो तो आप बहुत सारे नेचुरल सप्लीमेंट अवेलेबल है B12 के, आप उनका सपोर्ट ले और अपने B12 को मेंटेन करें, यही मेरा सुझाव होगा। नेक्स्ट है अंजू जी, अंजू सिंह। अंजू जी कहाँ से हैं आप? जी मैं कल्याण से हूँ, बॉम्बे कल्याण से हूँ, और पिछले 20 साल से डायबिटीज सफर कर रही हूँ। और मैं पिछले 4 महीने से मैंने ऐसे सेमिनार सर का मैंने 2017 में ज्वाइन किया था, कल्याण में ही 17 में हुआ था। और उसके बाद मैं पिछले 4 महीने से सर का कर रही हूँ, मैं कोई अन्न नहीं ले रही हूँ, चावल गेहूं दोनों ही मैंने पूरी तरह बंद किए हुए हैं 4 महीने से। लेकिन पहले क्या था, काफी फ्लेक्सिबल था, मतलब सुबह में 400 रहेगा, दोपहर को 60 आ जाएगा, शाम को 30-40, मतलब कोमा में जाने की स्थिति हो जाती थी। जबकि 3 बार इंजेक्शन लेती हूँ, अभी ये है कि वो नहीं है कि 60 आ रहा है कि 70 आ रहा है, वैसा नहीं है। अभी सुबह में 250 रहता है, दोपहर को 160 रहता है, और शाम को अगेन 160-200 के बीच में रहता है। आप शुगर लेवल की बात कर रहे हैं? जी जी, सुबह फास्टिंग में 250 रहता है अभी फिलहाल इस डाइट पे, जी जी, और जी, दोपहर को 160। 4 महीने से फॉलो कर रही हूँ, 4 महीने से फॉलो कर रही हूँ। ओके, वंडरफुल। अब देखिए, सबसे पहली बार सुनने वाले लोगों के लिए एक खास बात है, जिनको डायबिटीज होगा उनको सबको समझेगा कि फास्टिंग में शुगर अक्सर जो है वो कम होता है, और खाना खाने के बाद फास्टिंग शुगर जो है बढ़ जाता है। तो आपका अंजू सिंह जी क्या हो रहा है कि सुबह फास्टिंग में शुगर 250 है लेकिन खाना खाने के बाद 160 आ जाता है, यानी कम हो जाता है। तो आप पहली बात अमृत भोजन खा रहे हैं, ये उसका संकेत है। जो इंसान अमृत भोजन खाता है यानी लिविंग फूड खाता है उसका शुगर कम हो जाता है, तो आपका भोजन की वजह से शुगर कम हो रहा है, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आप इसके आगे की प्लान कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपकी कोई मेडिसिन चालू है या इंसुलिन चालू है आपका? जी मेरी सिर्फ इंसुलिन है, वो मैं तीनों टाइम लेती हूँ, नोवा मिक्सार्ड 50 करके इंसुलिन है, वो मैं 3 बार ले रही हूँ। ओके, तो आप एक स्पेशल जूस जो है डायबिटीज के लिए, 2 ककड़ी, 2 टमाटर और 1 करेले का जूस। सर मैं ये दोनों तीनों चीज रोज ले रही हूँ, एवरीडे। ओके, तो आप अब बताइए इसमें आपका प्रश्न क्या खड़ा हो रहा है अभी? नहीं, जो 250 है जो मैं इंसुलिन ले रही हूँ, 10 यूनिट मॉर्निंग में ले रही हूँ, 4 यूनिट दोपहर को ले रही हूँ, और शाम को अगेन 8 यूनिट ले रही हूँ, इसमें मैं चाहती हूँ कि ये कम हो जाए। आपका डायबिटीज टाइप 1 है या टाइप 2 है? टाइप 1 है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, 20 साल से इंसुलिन पे ही हूँ मैं। आपकी एज कितनी है? जी एज कितनी है? उम्र मेरी उम्र 45। ओके, तो अंजू जी आपका टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज में आप पूरी तरह से इस इंसुलिन से मुक्त नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप डाइट के साथ बेटर कंट्रोल मिलेगा, आपको बेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, और आपका इंसुलिन लेवल कम होगा, आपके शॉट्स जो लगते हैं, यूनिट्स जो लगते हैं, वो पहले से कई गुना कम लगेंगे आपको, और जो आपके इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं बाकी के, आप उससे आपको उसे फेस नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन टाइप वन डायबिटीज में पूरी तरह से मुक्त होना ये संभव नहीं है, बिकॉज ये एक ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में आता है। तो आप एक बार हम लोग आप मुझे मैसेज या मेल कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप में भी हम इस पे चर्चा कर सकते हैं, तो आप इस पे एक बेटर डाइट हम डिजाइन कर सकते हैं इसके लिए। जी ऑलराइट जी सर जी, मुझे एक सवाल और करना था कि आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे जूस बनाने के बाद हम जिसमें छानते हैं, एनिमा है आपका, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने 2017 में खरीदी थी और अभी मेरे पास वो खराब हो चुकी। स्क्रीन पे जो नंबर थे उसमें से किसी से भी संपर्क कर दीजिए, वो आपको कल्याण के टीम के नंबर्स दे देंगे, आप उनसे संपर्क करके ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा गंबानी करके है कल्याण से, उनके पास मिल जाएगा आपको। एक बार मैं उषा जी को, उषा ठाकुर आज हमारे साथ सेमिनार में जुड़े हैं, जो कैंसर से मुक्त हो चुके हैं और नोएडा से है। तो उषा जी अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, और उषा जी को एक बार मैं चाहूंगा कि वो शेयर करें, आज कई दिनों के बाद मेरी मुलाकात हो रही है, तो वो कैंसर से मुक्त हो चुके हैं, वो दो बार उनका कैंसर रिलैप्स हो चुका था, जिंदगी की उम्मीद छोड़ चुके थे और आज उषा जी साक्षात हमारे बीच है। तो एक बार उषा जी को अनम्यूट किया जाए और मैं चाहूंगा कि वो दो शब्द। यस उषा जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाय उषा जी, आप वेलकम, आवाज नहीं आ रही उषा जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करें। हाँ यस यस नोएडा। नमस्कार अतुल जी, मैं वसुंधरा से हूँ सर, और ओजस तो मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान रहा है और इसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ अतुल जी का। और कुछ देर पहले ही मुझे ये मैसेज मिला कि सेमिनार हो रहा है, तो मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाई तो अटेंड करने लगी। और मेरा डायबिटीज तो ऐसा था जो कैंसर होने के बाद इसने बहुत ज्यादा वर्स्ट रूप ले लिया था, कम होने पे ही नहीं आता था। और मैंने ओजस को फॉलो किया, धीरे धीरे पेशेंस रखा, और मैं दो दो तीन तीन टाइम 60-70 यूनिट इंसुलिन का लेती थी और सारी होप छोड़ चुकी थी कि शायद अब ठीक भी हो पाऊंगी कि नहीं, या इसी के साथ जीना और मरना होगा। लेकिन मैंने ये ओजस करते हुए और आज अपने आप को काफी हद तक ठीक कर लिया। रात को मैं सब कुछ खा लेती हूँ, शुरू कर दिया ये चीज, और दिन भर मेरा फास्टिंग रहता है और रॉ चीजें होती हैं, स्प्राउट्स, खीरा, ककड़ी, टमाटर, इस तरह की चीजें, स्मूदी लेती हूँ। आपके चेहरे से आपका, आपकी हेल्थ झलक रही है, दिखाई दे रही है आपका आनंद, आपकी खुशी। So very happy, I'm very happy to see you from such a long time, and मुझे लगता है साल भर से ज्यादा समय हो गया है। साल भर से ज्यादा, जी जी अतुल शाह जी बिल्कुल। और मैं तो इसको टोटली बेनिफिट आपको और नंदनी जी को देती हूँ, जिन्होंने इस चीज के ऊपर इतना रिसर्च किया, फॉलो किया, और सब में इसको एक सोशल वर्क की तरह से फैला रहे हैं, और जो दवाइयों के साइड इफेक्ट में, दवाइयों में घिसटते हुए अपनी लाइफ को खराब करते हैं, उससे लास्ट टाइम बेटर है कि प्राकृतिक चीजें अपनाएं और नेचुरल थेरेपी को यूज करें, और हमारा एनिमा और रॉ चीजें, उन्हीं में सारी खुशियां हैं, कोई बीमारी नहीं आपको छू सकती और बहुत अच्छी तरह से हम लोग जी सकते हैं। और थैंक यू। उषा जी ने जब शेयरिंग दिया था तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए नया जीवन है जो मुझे यहाँ से मिला है, दिस इज अ न्यू लाइफ। सो थैंक यू उषा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू जी। हाँ यस ज्योति शेरा, यस ज्योति जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही ज्योति जी। गैलेक्सी A50, हाँ बोलिए गैलेक्सी A50। रानी बोल रही हूँ। अतुल जी नमस्कार। रानी जी कहाँ भटक गए आप, नमस्कार। सारी खबरें मिलती है, मैं इधर ही नासिक में हूँ। आपने कितना किलो कम किया और कितना बढ़ा लिया वापस, ये बताइए सबसे पहले। मैंने 25 किलो कम किया 10 महीने में। और आप कितना बढ़ाया ये बताइए। मैंने फिर 4 महीने में 6 किलो बढ़ाया। मैं दुबई गई थी अपने बेटे के पास, तो दुबई जाके मेरा वेट बढ़ गया। पर मेरा एक और बात बतानी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको बतानी है,
ओजेस डाइट से मेरा थायराइड नॉर्मल हो गया है. वेरी गुड, थैंक यू रानी जी शेयरिंग, फॉर शेयरिंग. यस, और एक और बात आपसे पूछनी है. अभी मेरा टीपीओ लेवल हाई हो गया है. टीपीओ लेवल है जो एंजाइटी लेवल मेरा हाई हो गया है. जो नॉर्मल रेंज 30 से नीचे होता है मेरा 531 हो गया, 531. रानी जी इसपे एक बार मुझे लगता है आप व्यक्तिगत टच में है, मुझे लग रहा है, तो अलग से इस पे चर्चा करते हैं क्योंकि देयर आर सो मेनी रीजंस. एंड रानी जी आप अभी आए हैं तो मैं तो कहूंगा आपने 5 डेज का प्रोग्राम एक्सपीरियंस किया है, तो लोगों को थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस बताइए कि 5 दिन का ओजस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है, उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी शेयर कीजिए आप. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. मुझे तो वहां से वापस आना ही नहीं था. पहली बात तो ये है, मुझे वहां से आना ही नहीं था. इतने ब्यूटीफुल नेचर थे, आपने हमको मिलाया, और नेचर की चीजों से, मदर अर्थ की चीजें हमको कैसे ठीक कर सकती है. द थिंग्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम मदर अर्थ इज ऑसम. उसके जैसा तो कोई और चीज है ही नहीं. जो नेचर है, जो जिससे हमने भूल लिया, भूल गए हम लोग, उसी को खाके, उसी में रह के, उसी नेचर को देख के, वो पानी ठंडा पी के, वो ठंडे पानी का एनिमा करके, हम लोग एकदम प्योर हो गए थे, एकदम प्योर. और आप जैसे लोगों से मिलके आपने तो मेरी जिंदगी बदल डाली है. मैंने यही मेरी बेटी को सिखाया, मेरी बेटी ने भी वो करके एकदम ठीक हो गई है. अभी एक्चुअली वो प्रेग्नेंट है, 6-7 मंथ वो थोड़ा बेड पे है, उसकी शुगर लेवल थोड़ी हाई है, तो उसके लिए भी मुझे आपसे कंसल्ट करना था. जी बिल्कुल, तो बिल्कुल इस पे चर्चा करते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है रानी जी. आपका जो, आपके जो मैंने लेक्चर्स अटेंड किए, आपका वहां का जो माहौल था, जो एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम, एरोबिक्स, आपके लेक्चर्स, आपका खाना, आपकी रेसिपीज, आई विल नेवर फॉरगेट. जिसने मुझे दूसरी जिंदगी दी है ऐसे लग रहा है. और वही मैं सब अपने हस्बैंड को, अपने घर में सबको फॉलो करवा रही हूँ. एंड रियली वी आर वेरी वेरी हैप्पी. बट ये जो मेरी एंग्जाइटी लेवल अभी बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई आई डोंट नो, क्योंकि मैं बच्चों से दूर हूँ शायद इसीलिए. तो आप ये लेवल आप इस विषय से रणंजय भाई का नंबर लेके एक बार उनसे संपर्क कीजिए, क्योंकि मोर ऑफ ये जो है साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है, तो मुझे लगता है कि आप उसके लिए हमारे एक्सपर्ट रणंजय भाई से बात करें. मैंने उनसे लीला के थ्रू उनसे संपर्क किया है और वो हमारा चल रहा है अभी. उन्होंने मुझे बोला है वापस आपको टोटल इस पे जाना है, टोटली रॉ पे जाना है. उनके गाइडेंस के जरिए आप बस उस पे चलिए और सब कुछ एकदम फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था, राइट? तो ये अभी क्या मुझे ट्रेवल करना है, तो मैं एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन वैक्सीनेशन, बट अभी वो मेरे लिए जरूरी हो गया है क्योंकि मैं ट्रेवल कर रही हूँ. तो एंग्जाइटी लेवल जो मेरी अभी हाई है, उसमें मैं वैक्सीनेशन लगा सकती हूँ क्या? इसमें उससे कोई ज्यादा कनेक्शन तो नहीं है, कुछ रिएक्शन तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, अगर आपकी मजबूरी है और आपको अब्रॉड ट्रैवल करना है तो आपको मजबूरी वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा. तो अब मुझे आपका वापस सेशन ये ज्वाइन करना है विद माय फैमिली. अब तक तो 1.5 साल हो गया, अभी बंद था और अभी वापस शुरू होने वाले हैं 5 डेज के प्रोग्राम, रेसिडेंशियल प्रोग्राम. तो जल्दी ही आपको हमारे सारे सोशल नेटवर्क के जरिए उसका जो है आपको डिटेल्स मिल जाएगी. या क्योंकि अभी मैं हैदराबाद जा रही हूँ मेरी बेटी की डिलीवरी के लिए, तो 2 महीने हम उधर ही रहेंगे. और ये सेशन मुझे मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी फैमिली के साथ वापस रिपीट करना है. इट इज रियली ऑसम. और जो भी ये सेशन करेगा 100% वो वापस वैसे ही प्योर हो जाएगा जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसी दिन का. बहुत बहुत धन्यवाद. यस यस, हाँ ज्योति जी बोलिए. सर अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है. वेलकम वेलकम जी. ओजस परिवार को नमस्कार. नमस्कार अतुल सर. कहाँ से बोल रहे? सर मैं दिल्ली से बोल रही हूँ. दिल्ली से जी. सर मैं पिछले 4 महीने से सर मुझे रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं. मैंने ओजस परिवार में ही किसी को कॉल किया था, पता नहीं सर कौन सर थे, उनसे मेरी बात हुई थी. खैर तो सर पिछले 4 महीने से रेगुलर मुझे पीरियड्स हो रहे हैं. थोड़ा सा मेरा वेट भी पुट ऑफ हुआ है क्योंकि मैं ओजस लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ. एक टाइम खाना खाती हूँ एंड बाकी टाइम रॉ जूस या फास्टिंग पे रहती हूँ.
अभी वेट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, तो मतलब दूसरे लोग कह रहे हैं अरे आप बीमार हो क्या, मैं कह नहीं अभी ठीक होने जा रही हूँ, मैं अभी ठीक देखिए ये भारतीय मानसिकता है और इससे दूर रहे। भारतीय मानसिकता है जब इंसान जो है जो इंसान सामान्य 50 किलो का होना चाहिए वो 120 किलो का हो जाता है तब भी उसे टोकते नहीं है, लेकिन जब वही इंसान वापस 50-60 किलो पे आ जाता है स्वस्थ हो जाता है तो लोग उसे कहते हैं कि ये कमजोर हो गया। यानी भारत में स्वस्थ होने की परिभाषा है तगड़े तगड़े होना, मतलब हेल्दी होना होने की परिभाषा क्या है कि वो मोटा हो जाए, और जब वो दुबला हो जाता है तो उसे कहते हैं बीमार हो जाना। ये भारतीय मानसिकता की प्रॉब्लम है, बीमारी है, और आप इससे दूर रहिए, इससे जितना बचेंगे उतना अच्छा रहेगा, और आप बहुत सुंदर दिखाई देंगे जब और स्लिम हो जाएंगे, आप अपने नेचुरल वेट पे आ जाएंगे तो अपने आप बहुत ही निरोगी भी हो जाएंगे और सुंदर भी नजर आएंगे। जी जी आपका प्रश्न क्या है बताइए आप। जी सर मेरा प्रश्न ये है कि मैं एनीमिक ना हो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग डेज में मैंने डॉक्टर को फॉलो किया, मुझे वो मेडिसिन से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था, सो उसके बाद मैंने आपको सुना और मैंने ये स्टार्ट कर दिया। मुझे काफी कम है, ब्लीडिंग कम है, ऑब्वियसली मैं ठीक फील कर रही हूँ, एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, इनफैक्ट दैट टाइम मैं बहुत लो फील कर रही थी। तो सर माय क्वेश्चन इज कि मैं एनेमिक ना हूं तो मुझे उसके लिए इस प्रॉब्लम में मुझे क्या करना चाहिए? बस यही है एनेमिक नहीं होने के लिए, एनेमिक होंगे भी नहीं क्योंकि आप ओजस लाइफ फॉलो करते हैं, तो आप जब आप सीधी रास्ते पे जा रहे हैं तो आप एक स्वास्थ्य की जर्नी पे चल पड़े हैं और आप स्वास्थ्य की मंजिल पे ही पहुंचने वाले हैं, तो इसमें कोई बाधा आने का कोई सवाल नहीं उठता। और साथ ही साथ हमने इसमें बीच में ही बात की थी कि किस तरीके से आप हेमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं, गाजर बीटरूट है यानी कि चुकंदर है और गाजर का जूस ले सकते हैं, आयरन के लिए पालक ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आयरन के लिए आप मुनक्का का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे डाइट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऐड करेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और मुझे लगता नहीं कि आपको स्पेशल कोई फोकस करने की जरूरत है। अगर आप ओजस फॉलो कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी इतने बेनिफिट्स गिनवा दिए हैं, तो ये और बेहतरी की तरफ ही आप आगे बढ़ने वाले हैं, आपको कोई चिंता की अलग से आवश्यकता मुझे नहीं लगती। सर अगर हमें कोई ऐसा मतलब कोई रेसिपी जो क्योंकि आप लोगों का खाना सर बहुत सुंदर होता है, शायद मैं जो सैलेड बना रही वो इतना टेम्पटिंग नहीं होता क्योंकि वो हम पहले आंखों से खाते हैं। रेसिपीज के लिए हमारे टेलीग्राम पे भी ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक पे भी रेसिपीज का ग्रुप बना हुआ है, और साथ ही साथ आप किसी भी ओजस टीम के मेंबर को मैसेज करेंगे तो आपको ढेर सारी रेसिपीज की बुक्स वगैरह और मैसेजेस फॉरवर्ड कर देंगे जिससे आप अपने खाने को और ज्यादा स्वादिष्ट बना सके। ठीक है सर, धन्यवाद, है ना, राइट, सो थैंक यू ज्योति जी फॉर शेयरिंग। नितिन जी नौ लखा, हेलो, यस वेलकम, हेलो, ये एनीमा कर सकते हैं क्या डेली में? नितिन नवलका जालना। नितिन भाई मेरा इसी पे पूरा सेमिनार है, और हस्तीवल जी अब नई डेट अनाउंस करने वाले अभी थोड़ी देर में, और एनिमा पे कब सेमिनार हो रहा है वापस, तो उस विषय पर हम दोबारा उस पे खुलकर बात करेंगे, पूरे विज्ञान उसका क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे इंसान को ब्रश करना पड़ता है, देखिए अगर आपको टूथ ब्रश करने की आवश्यकता पड़ती है दांत साफ करने के लिए, तो वैसे ही आपको पेट सफाई के लिए कुछ दिनों के लिए एनिमा का भी सहारा लेना पड़ेगा। दुनिया में इस संसार में किसी भी पशु प्राणी को टूथ ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती और फिर भी उनके दांत सड़ते नहीं है और मरते दम तक अखंड रहते हैं। सिर्फ इंसान जो है दिन में दो दो बार ब्रश करता है और फिर भी अपने दांतों को सड़ने से और गलने से बचा नहीं पाता, ये नतीजा जो है उसके गलत खान पान का है, और इसीलिए हम जिस तरीके से टूथब्रश का सहारा लेते हैं उसी तरीके से हमें एनिमा का भी कुछ दिनों के लिए स्वास्थ्य को एक नए मुकाम पे पहुंचाने के लिए उसका सहारा लेना चाहिए, और वो केवल सादे पानी का एनिमा लेना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए हमें, ना साबुन पानी चाहिए, ना कोई केमिकल चाहिए, सिर्फ सादा पानी जो आंखों में डालने से आंखें निर्मल कोमल हो जाती है, उसी तरीके से वो आंतों में पानी देते हैं तो आंतें भी निर्मल और कोमल हो जाती है। अच्छा, दो तीन महीने तक ले सकते हैं?
रेगुलर बिल्कुल ले सकते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेगुलर मतलब कुछ महीनों के लिए इस्तेमाल करना है, उसके बाद आहार को सुधार देना है ताकि भविष्य में आपको एनिमा की जरूरत ना पड़े, और आप महीने हफ्ते में एक आध बार यूं ही सफाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रेगुलर आप 30 दिनों से लेकर 90 दिनों तक रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, साल में एक आध बार उसका डिटॉक्स के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उसकी हैबिट नहीं बनानी है। ओके ओके थैंक यू। ये अगले प्रश्न करता है V2031, नाम नहीं है। हाँ मैडम बोलिए ना। हाँ हाँ कहाँ से बोल रहे हैं आप, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ बोलिए जी सर। मैं रानी इसरानी की बेटी हूँ, अभी आपने उनसे बात करी ना। जी 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 वेलकम सर। मेरा 7th month चल रहा है और प्लेजेंटा नीचे होने के कारण थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्लीडिंग हो रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं रेस्ट बेड रेस्ट पे आ गई हूँ, और बेड रेस्ट पे होने के कारण इतनी ज्यादा गैसेस हो रही हैं। अभी भी इतना ज्यादा गैस प्रॉब्लम हुआ कि मैं अभी 1 घंटा पहले भी 2 मेडिसिन लेके बैठी हूँ, मतलब चलना फिरना नहीं हो रहा है। देखिए अगर 7वां महीना चल रहा है तो आप अभी जिस तरीके से डाइट आपको ओजस में कही गई है वो डाइट तो फॉलो करना ही चाहिए, लेकिन अगर आपके पास एक्टिविटी नहीं है बल्कि 7वें महीने से तो आपको पूरी एक्टिविटी कंटिन्यू करनी चाहिए एंड तक ताकि डिलीवरी नॉर्मल हो। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे किसी कारणवश से जैसे आपने बताया, तो अगर आप रेस्ट पे है तो आपका डाइट और भी हल्का होना चाहिए, यानी अनाज की मात्रा आप जी। अतुल भाई आप म्यूट अनम्यूट हो, अतुल भाई म्यूट कीजिए। हल्का डाइट मतलब क्या खाना चाहिए उसमें? यस यस आपको अभी अनाज की मात्रा पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए, केवल आपको दिन भर में जो खाना चाहिए वो मैक्सिमम फ्रूट्स, साथ ही साथ वेजिटेबल जूसेस या सलाड्स, और बाकी का बचा हुआ जो पका हुआ भोजन है उसमें आप कंदमूल ले सकते हैं। कंदमूल का मतलब है उबली हुई सब्जियां, जिसमें आप सूरन हो सकता है, अड़वी हो सकती है, अरबी जिसे कहते हैं वो हो सकती है, ऐसी सब्जियां जो स्वीट पोटैटोज हो सकते हैं, जिससे आपको फुलनेस भी मिले और आपको तृप्ति भी हो जाए। मगर तो मेरा शुगर भी थोड़ा सा हाई आया है बिकॉज ऑफ नो मूविंग अराउंड। नहीं 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 आप फ्रूट्स बढ़ा देंगे तो आपका शुगर नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको फ्रूट्स की मात्रा बढ़ानी है, और इस वक्त आपको बहुत केयरफुल रहना है, 2 महीने पूरे बचे हुए हैं, और इसमें आप जितना अच्छा करेंगे उतना आपके बच्चे का जो फाउंडेशन है वो उतना अच्छा होगा। वो आपको धूप का सेवन करना है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर धूप निकलती है तो वो मौका एक भी ना छोड़े धूप में बैठने का, और बाकी की जो फ्रूट्स और सलाड की जो मात्रा है वो बनाए रखे आधा आधा किलो वाली, और साथ ही साथ जो है उबली हुई सब्जियां लिए, कंदमूल ले, और उसकी मात्रा आप ले सकते हैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, तृप्ति के लिए जी। अनाज को छोड़ दीजिए इमीडिएटली, सब कुछ सही हो जाएगा। डॉक्टर्स ने जो डाइट दिया है उन्होंने तो सारा अनाज ही अनाज लिख के दिया है, पूरा 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 का पूरा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ऐसे हजारों लाखों लोगों को जानता हूं जिनको डॉक्टर के डाइट की वजह से जिंदगी से हाथ धोने पड़े हैं, ऐसे भी लोगों को जानता हूं। तो आप कुदरत के इस कानून पे बने रहे, और लोग सपने देखते हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखिए कि लोग ख्वाब देखते हैं कि हम अपने बच्चे को जब जन्म दे तो हमारे 9 महीने रॉ डाइट पे हो, पूरा रॉ डाइट फॉलो करके 9 महीने रॉ डाइट करके अपने बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को जन्म देते हैं। ऐसे भी लोग इस संसार में बहुत बड़ी मात्रा में कम्युनिटी है, तो आप गूगल कर सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं, राइट। तो बिना घबराए बिना संकोच के आप कुदरत के इस नियम का पालन करें, किसी भी तरीके से गुमराह ना हो जाए, वरना प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकती है। मैं ग्रीन जूस पी सकती हूँ, मैंने 1st 5 months तो ग्रीन जूस पिया था। बिल्कुल, बस पहले 4-5 महीने संभालना होता है जिसमें गर्म चीजों का प्रयोग नहीं करना होता है, 5वें महीने के बाद से आप अभी जिस तरीके से 7वें महीने पे पहुंच चुके हैं तो अभी आप सारे जूसेस पी सकते हैं, ग्रीन जूस भी पी सकते हैं और सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई अब बनता नहीं। एक और डाउट है मुझे, आंवला या नींबू पीने से, लाइक ग्रीन जूस मॉर्निंग में जब मैं पी रही हूँ ना, मुझे बहुत वीकनेस हो रही है। That is the indication of detoxification. There is nothing to worry about it.
आप कंटिन्यू कीजिए, दो तीन दिन में आप बेहतर महसूस करना, उसी के साथ बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे। ओके, मैं फिर से शुरू कर देती हूँ फिर ग्रीन जूस। जी जी बिल्कुल, उसी से पेट साफ होगा, ग्रीन जूस से ही। बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रीन्स पेट की सफाई के लिए। या जी जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंत में एक प्रश्न लेते हैं, जगबीर कौर ब्रा। यस यस, वेलकम, बोलिए जगबीर जी। कहां से बोल रहे, देखिए हाँ म्यूट हो चुके, आप बोलिए। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है जगबीर जी। हेलो, हाँ यस यस वेलकम। हाँ जी सर, मैं फरीदकोट पंजाब से बोल रही हूँ। पंजाब, ओ आज सारा पूरा भारत लगता है साथ में जुड़ चुका है। आप आ चुके हो फरीदकोट, अतुल सर आ चुके हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ध्यान है। हाँ जी सर, मुझे ना माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत रहती है। माइग्रेन का मतलब है गैस, गैस की प्रॉब्लम रहने को माइग्रेन कहते हैं। जो इंसान को गैस की प्रॉब्लम हो उसे माइग्रेन कहते हैं। आप डाइट शुरू कीजिए। सर मुझे ऐसा नहीं है, मुझे किसी का पानी पीती हूं। माइक चालू है, किसी का डिस्टरबेंस हो रहा है, जरा देखिए किसका माइक चालू है। यस यस यस, हेलो। हाँ जी हाँ जी सर, ऐसे में सुबह पानी पीती हूँ, दो ग्लास गर्म पानी के पीती हूँ, तो मुझे सुबह पेट साफ हो जाता है। मुझे गैस की प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, मेरा डेली का नहीं है माइग्रेन। आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बने हुए हैं? हाँ जी हाँ है, थोड़े थोड़े है, बस इतना काफी है। उसके बिना माइग्रेन नहीं हो सकता। आपका विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, आप धूप लेना शुरू कीजिए और साथ ही साथ अच्छा डाइट मेंटेन करना शुरू कीजिए। और शुरुआत के 3 महीने पूरे एनिमा का प्रयोग कीजिए, ताकि आप आंतों में जमा हुआ मल यानी कि टॉक्सिन को रिमूव कर पाए। ठीक है सर, हफ्ते में कितनी बार करना है वो? डेली डेली, रोज रोज इस्तेमाल करना है, रेगुलरली 90 डेज। ओके सर, कितने टाइम के लिए? 90 दिन। 90 दिन नहीं सर, दिन में कितने करना है आपने बोला है? एक बार, अगर दो बार कंफर्टेबल है तो दो बार भी कर सकते हैं। ओके सर, जैसे मैं फ्रूट वगैरह भी, एप्पल वगैरह सुबह लेती हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट में आधा किलो सलाद, आधा किलो फ्रूट, आधा किलो सलाद की मात्रा बनाए रखे। ओके सर, मैं जैसे जॉब करती हूँ ना, मैं मुक्सर में जाती हूँ, तो मुझे पहले तो रात को माइग्रेन शुरू हो जाता था, अभी मुझे बस सफर की वजह से भी हो जाता है। कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा 100%। गलत जीवन शैली का नतीजा है और कुछ नहीं, आपको इस पे काम करना है। बिना किए, बिना काम किए केवल मुझे सुनने से कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। हां जी हां जी, एक्शन लीजिए, एक्शन में आइए। ठीक है शिल्पा जी, थैंक यू। शिल्पा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ यस आवाज आ रही है, बोलिए। ये जो धूप लेना होता है ना, वो अप टू कितने बजे तक? 12 बजे तक का धूप ले सकते हैं कि कौन सा टाइमिंग बेटर है? आप कहाँ पे रहते हैं? मुंबई अंधेरी। 10 बजे से पहले, गर्मी के दिनों में 10 बजे से पहले। ओके, और गर्मी के दिनों में अगर महाबलेश्वर जाते हैं तो दोपहर को भी धूप ले सकते हैं आप? नहीं, अगर बॉम्बे में है जैसे अप टू 10 o'clock 11 o'clock, कितने गर्मी के दिनों में? गर्मी के दिनों में 10 बजे से पहले, बाकी के मौसम में आप कभी भी धूप ले सकते हैं। Okay, and half an hour, how much you have to take? एक हफ्ते में 60 minutes कम से कम। Okay. उससे ज्यादा अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, डेली आधा घंटा बैठना चाहे तो भी बैठ सकते हैं। शुरू के दिनों में ज्यादा ले, बाद में धीरे धीरे कम कर देंगे तो भी चलेगा। पहले शुरू में बूस्टर की जरूरत होती है, और बूस्टर के लिए शुरू में 15 दिन 1 महीना ज्यादा धूप लेने की आवश्यकता होती है। Okay, thank you. थैंक यू वेरी मच। अतुल भाई, एक प्रश्न चैट बॉक्स में 2-3 पार्टिसिपेंट्स ने पूछा है कि ड्राई फ्रूट्स के इंटेक के बारे में कुछ बताइए, इसको कैसा ले सकते हैं, कितनी मात्रा में ले सकते हैं, या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस बारे में कुछ जानना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स का मतलब है सूखे हुए फल, ड्राई फ्रूट इंग्लिश में बोलते हैं, उसको हिंदी में सूखे हुए फल बोलते हैं। और सूखे हुए फ्रूट में क्या क्या आता है, तो किशमिश आती है, अंजीर आता है, मुनक्का आती है, खजूर आते हैं, और ये सारी चीजें जो है इसमें आती है। तो ये ड्राई फ्रूट जो है आप सुबह अपने फ्रूट के साथ ले सकते हैं, लेकिन 5% से ज्यादा न ले। मैं तो कहूंगा ड्राई फ्रूट खाने क्यों है इतने महंगे, इससे ज्यादा आप जो फ्रेश
फ्रूट आते हैं मंडी में जो फ्रेश मिलती है, अंगूर अंगूर की सीजन में तब खाइए, बिना सीजन के ड्राई बना के उसको खाने का तरीका बिल्कुल गलत है। तो ये गलत तरीके पे ना जाए तो मैं तो कहूंगा बेहतर है। इसके अलावा नट्स की अगर बात करें तो नट्स खाना बेहतर है। नट्स में आप बादाम खा सकते हैं या काजू खा सकते हैं या वॉलनट खा सकते हैं। तो ये आपके दिन भर में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में, कम से कम मात्रा में, यानी आपके दिन भर का रॉ डाइट का 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 50 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए नट्स की मात्रा, उससे कम हो तो बेहतर है। और इसकी कोई खास ऐसी आवश्यकता नहीं है, हम बाकी अपने स्प्राउट्स वगैरह खा के ही हमें सारी चीजों की उपलब्धियां हो जाती है, तो जितनी कम मात्रा में इसे खाया जाए उतना बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपने लगभग लगभग सारे प्रश्नकर्ताओं के प्रश्नों का समाधान किया है। और आपने जैसा एक डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर एक विशेष हमारे वेबिनार की बात कही है और वो निश्चित रूप से हम आयोजित करेंगे, लेकिन डेट अभी देने में हम असमर्थ हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक में एक हमारा ट्रेनिंग का यहाँ पर कैंप लग रहा है 4-5 दिन का, तो उसके बाद हम जैसे इसे फिक्स करते हैं बट विद इन कपल ऑफ डेज हम जो है ये डेट डिक्लेयर करेंगे और निश्चित रूप से इसको भी हम अच्छे ढंग से जैसे सफल बनाएंगे। तो अब हम कार्यक्रम जैसा कि अतुल जी आपने जो शरीर सफाई के लिए जो इनोमा के बारे में जो काफी लोगों ने जो सूचना दी है और वो वर्कशॉप ऑनलाइन या फिजिकल एक बार होना चाहिए ऐसा काफी लोगों का और आपका जो था, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम जल्द से जल्द ये वर्कशॉप लगाएंगे, एक हफ्ते के अंदर हम डेट आपको देंगे। और मैं तो इससे आगे कहना चाहूंगा कि हमारा तो सोच है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र स्टेट का प्रेसिडेंट हूं और मैं हम चाहते हैं कि आपके जो वर्कशॉप है सेमिनार, ये वर्कशॉप संपूर्ण महाराष्ट्र के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में फिजिकल कपल्स के साथ रेसिडेंशियल हम लगाने का हमारा मानस है, सोच है। जल्द से जल्द अगर कोरोना खत्म भी हो रहा है उसकी भी प्लानिंग हम करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, और हम आज के इस वेबिनार के वर्कशॉप के अंत की ओर, समारोह की ओर बढ़ते हैं और आज के इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे भारतीय जन संगठना की औरंगाबाद जिला की अध्यक्षा डिंपल जी पगारे हमारे मध्य उपस्थित है और मेरा निवेदन है डिंपल जी से कि वे आभार प्रदर्शन के साथ आज के इस कार्यक्रम का समारोह करेंगे। यस, वेलकम डिंपल। Am I audible to all? Yes, 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 yes. थैंक यू सो मच। सभी को सादर जय जिनेन्द्र एवं नमस्कार। आहार से आरोग्य प्राकृतिक भोजन प्रणाली, आज अतुल भैया ने सही में अपनी अपने बातों से हमें प्रेरित किया। छोटी छोटी बातें और डाइट कैसा करना है और क्या खाना है, एग्जैक्टली दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ये बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। मैंने उनके पहले भी 2 सेशंस अटेंड किए हैं, BGS जैन सोशल ग्रुप व्यापारी महासंघ की ओर से मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। सही में मुझे लगता है जो ओजस लाइफ फॉलो करेगा वो पक्का अपने लाइफ में हेल्दी बनेगा। और मैं अतुल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो हमेशा BGS भारतीय जन संगठना के साथ रहते हैं और हमेशा उनका मार्गदर्शन हम सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। और अंत में इतना कहना चाहूंगी, हस्तेमल जी अंकल, अभय अंकल, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमेशा बहुत यूजफुल सेशंस लेते हैं सब पार्टिसिपेंट्स को। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, सोलापुर, हर 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 स्टेट से आज पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं। इससे बहुत खुशी की बात, भारतीय जन संगठना के लिए कुछ नहीं हो सकती जो सबको हमेशा एकत्रित लेकर चलते हैं। अतुल भैया आपके सेशन सही में, और मैं भी बहुत जल्दी जुड़ने वाली हूँ, मैं भी आपके किसी को कॉल करके, मुझे भी वेट लॉस करना है तो मैं पक्का कॉल करके आपसे बात करूंगी। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, अतुल भैया, भारतीय जन संगठना, जैन सोशल ग्रुप, व्यापारी महासंघ की ओर से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डिंपल जी। और मैं पुनः एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स और BGS महाराष्ट्र की ओर से अतुल भाई को मैं फिर से एक बार सैल्यूट करता हूँ और आज का कार्यक्रम, ये वेबिनार समाप्त हुआ ऐसी घोषणा करता हूँ। जय जिनेन्द्र।